Good morning, Rupayan. Good morning, Anushka, Vanshika, Payal, Tanishka. Good morning, all of you. Very, very good morning. Ayushi, can you start that TV, please? Okay, he'll start. Okay, let me check if I'm live on YouTube or not. Yes, I'm live on YouTube as well. Very, very good morning, Ankit Yadav, Riya Vijay, Radhika, Jain, Mahavir, Kasliwal, and Nilima Mahato. Good morning. Haji, good morning, all of you. मजा नहीं आया यार, घर पे जाके आयो, खा पी के आयो यार, ग्रुप वन खत्म होने के बाद अब ग्रुप टू की नई जर्नी चालू कर रहे हैं, ऐसा ठंडा ठंडा गुड मॉर्निंग होगा क्या? वापस ट्राई करें? ओके, 3, 2, 1, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्या बात है, वेलकम, अमेजिंग। तो फाइनली एक चरण हमारा समाप्त हो चुका है, सीए इंटरमीडिएट का ग्रुप वन खत्म करने के बाद एक नई क्लास, एक नए जोश, एक नई उमंग, एक नए तरंग। खुशी पूछ रही है उमंग और तरंग कहां है, जोश को तो मैं जानती हूं, वेरी बैड थर की खुशी, बट यस, एक नई एनर्जी के साथ हम लोग यहां क्लास में वापस आ गए। सब लोग घर पे जाकर फ्रेश होकर आ गए, मजा आ गया घर पे। चलिए यार, आपको पता है जिंदगी में जब हम बचपन में थे, स्कूल में थे, आई एम श्योर आपके साथ ऐसा हुआ होगा, हमारी स्कूल का पहला दिन जब होता है, हम हमारी नोटबुक्स जब स्टार्ट करते हैं, जैसे आज आप अपनी नोटबुक स्टार्ट करेंगे तो नोटबुक का पहला पेज बहुत ही खूबसूरत हैंडराइटिंग, यू नो, वेरी ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, वी राइट वेरी नीटली क्लीनली, पेंसिल से लाइन ड्रॉ करते हैं, सब कुछ करते हैं। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे लेक्चर्स आगे बढ़ते जाते हैं, हम हमारी असलियत पे आते जाते हैं, और फिर रजिस्टर या नोटबुक का लास्ट पेज आते आते तो हम क्या मालूम सीए से मेडिकल में कब पहुंच जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। मेरे साथ ऐसा होता था कि जब मेरी बुक खराब हो जाती थी ना, मतलब हैंडराइटिंग वेरी बैड, तो उसके बाद मेरा लिखने का मन ही नहीं होता था, और फिर मैं इंतजार करता था कि नई बुक कब चालू होगी, जब नई बुक चालू होगी, नई नोटबुक स्टार्ट करेंगे, तब अच्छी हैंडराइटिंग से वापस से स्टार्ट करेंगे, और मैं करता भी था, लेकिन फिर दो चार दिनों बाद असलियत पे मैं आ जाता था। द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, जिंदगी में ना जाने बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनको दूसरा मौका मिलता है, दूसरा मौका मिलता है उसी कोर्स में बिना फेल हुए वापस एक नई शुरुआत करने का, और आज हम वो फॉर्चुनेट लोग हैं, मतलब मैं तो हो चुका हूं, बट आप वो फॉर्चुनेट लोग हैं जिनको ये दूसरा मौका मिला है इंटरमीडिएट ग्रुप वन खत्म होने के बाद। अब ग्रुप टू के अंदर आप कर सकते हैं एक नई शुरुआत। डू यू एग्री विद मी? क्या आज आपके कोई बैकलॉग्स हैं? क्या आज आपके मन में कोई रिग्रेट है कि मुझे ये आता है या मुझे नहीं आता है? क्या आज आप लोगों में से, इवन ऑनलाइन भी जितने बच्चे देख रहे हैं, आप लोगों में से कोई भी यहां टॉपर है? अरे बोलो ना, क्या आज आप लोगों में से कोई डफर है? सर कैसे सच बोले सर? हाँ नहीं यार, आज की जो तारीख है 3 जून, हम सब लोग पता है एक लाइन में खड़े, लिसन टू मी केयरफुली, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हम सब लोग एक लाइन में खड़े हैं, हमारे बीच कोई भेदभाव नहीं है, मतलब आज जीरो डे है। हम सब ने एक टॉपिक पढ़ा था एवरेज ड्यू डेट, यू रिमेंबर सीए फाउंडेशन, उसमें एक था बेस डेट या जीरो डेट, जैसे एक रेसिंग की स्टार्टिंग लाइन होती है ना, आज हम उसी एक स्टार्टिंग लाइन पे खड़े हैं जहां पर हमारे बीच में कोई भी भेदभाव नहीं है, जो भी शुरू करना है आज करना है, अच्छा होगा या बुरा होगा वो कब से होगा? आज से होगा। अच्छा, यहां पर ऐसा कोई है जिसने आज सुबह खुद से उठकर ये कहा होगा कि यार मैंने ग्रुप वन में शायद ये गलती की थी, लेकिन अब ग्रुप टू में मैं ये गलती नहीं करूंगा? कोई है, किसी के साथ ऐसा हुआ? क्या हुआ था? आपकी आवाज यहां तक पहुंचनी चाहिए, बताइएगा हुआ क्या था, क्या सोचा था? पहुंची नहीं आवाज पूरी यहां पे,
बोलो बोलो। हाँ, ग्रुप वन में जितना बैकलॉग हुआ था, ग्रुप टू में उतना बैकलॉग नहीं होने देंगे। अपने अंदर के आलस से हम कहेंगे कि ग्रुप वन में हमने जो हमारी पंक्ति की थी, है ना, हमारी पंक्ति मतलब जैसे अदिति कहेगी अदिति पंक्ति की थी, आयुष कहेगा आयुष पंक्ति की थी, दीपांश कहेगा दीपांश पंक्ति की थी, हमने जो हमारी पंक्ति की थी कि सुबह की क्लास के लिए पता है उठना है, बट क्योंकि आलस आ गया था तो क्या फर्क पड़ता है, आज एक दिन नहीं उठे, है ना अक्षत भैया, आप ही की बात चल रही है, आज एक दिन अगर नहीं उठे तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि बैकअप तो मिल ही जाएंगे, क्लासेस तो ऑनलाइन चल ही रही, ऑनलाइन वाले बोलेंगे क्या ही फर्क पड़ता है। अब हम ग्रुप टू में वो नहीं होने देंगे। ये कुछ कमिटमेंट हमें खुद से करना है, और इसी कमिटमेंट के साथ एक बार जोरदार तालियों के साथ हम सब एक दूसरे का करते हैं स्वागत। कोई भी अच्छा काम करने से पहले हम लोग जैसे मां सरस्वती का नाम लेते हैं, मां सरस्वती द लॉर्ड द गॉड ऑफ नॉलेज एंड विजडम, वही लेकर हम लोग करते हैं शुरू और बढ़ते हैं आगे। सभी जने एक बार हाथ जोड़ के आंखें करेंगे बंद और मां सरस्वती के इस शब्द एक इस श्लोक के एक एक शब्द को फील करेंगे। करना भाई प्रेम, चलिए। या कुंदे तुषार धार ध्रुवला, या शुभ्र वस्त्रांगिता, या वीरावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माशित शंकर प्रभुतिवी, देवे सदा वंदिता, सामा पांतु सरस्वती भगवती, निशेच यापः। ओके, सो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, स्वागत है सभी का एकाग्रता सीए के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त अंशुल अग्रवाल, करता हूं आप सभी का तहे दिल से स्वागत ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर टीम एकाग्रता इन दिस न्यू जर्नी, इन दिस न्यू जर्नी ऑफ सीए इंटरमीडिएट ग्रुप टू पेपर नंबर फोर। व्हाट इज द टॉपिक, व्हाट इज द सब्जेक्ट नेम, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसका आज से हमारा स्लोगन होगा सी फॉर कॉस्टिंग एंड सी फॉर कॉमन सेंस। दोस्तों, हम सबके दिमाग के अंदर ना एक स्विच होता है, एक स्विच ऐसा होता है जिसको चालू करने के बाद हमारा दिमाग चलने लगता है, और वो स्विच जो है वो स्विच है कॉमन सेंस का। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोगों का ये स्विच आज ही चालू हो जाएगा, कुछ लोगों का 10 दिन बाद होगा, कुछ लोगों का 20 दिन बाद होगा, और हो सकता है कुछ लोगों का तो बैच खत्म होने तक ही स्विच चालू ना। द डे दिस स्विच स्टार्ट इन योर माइंड, यू विल बी ऑफ इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। कोई भी नया काम चालू कर रहे हैं, नया दिन चालू कर रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी जिंदगी के जो सबसे इंपॉर्टेंट लोग हैं उन लोगों को हम लोग याद करें। आप लोग डेफिनेटली अपने घरों से आए हैं और अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद लेकर आए हैं, और इसी तरीके से आज मैं भी यहां पर यह बैच शुरू करता हूं अपने गुरु का नाम लेकर। दोस्तों, लाइफ में तीन लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एक होते हैं आपके पेरेंट्स। अभी आप लोग घर पे गए होंगे, आपने देखा होगा सेल्फलेस लव है यार पेरेंट्स का, इजंट इट? किसी को डांट नहीं पड़ी होगी घर पे, एटलीस्ट पहले दिन तो भी नहीं पड़ी होगी, उसके बाद कुछ कांड किए हो तो सर्टनली डांट पड़ी होगी, ठीक है। आपके पेरेंट्स जो है वो बहुत सपोर्टिव हो गए। अगर आप एनालाइज करेंगे, मतलब आप खुद को झांक कर देखेंगे, तो व्हाट वी वर इन 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड और हमारे पेरेंट्स का जो हमारे प्रति एक रवैया था, और अभी जो रवैया है वो बहुत बदल चुका है। द बिहेवियर इज एंटायरली चेंज्ड। डू यू एग्री विद मी? दे आर वेरी सपोर्टिव, दे अंडरस्टैंड यू। जिसकी कमी हमें बचपन में महसूस होती थी, आई हमारे मम्मी पापा कब हमें समझेंगे, मतलब मैं पढ़ाई करने का मन नहीं हो रहा है, लेकिन सिर्फ मम्मी पापा को दिखाने के लिए पढ़ रहे थे, लेकिन अब सिचुएशन उल्टी हो गई है। अब मम्मी पापा आपसे कह रहे हैं कि बेटा बहुत पढ़ाई हो गई, अब थोड़ा आराम कर ले, ये कर ले, वो कर ले, तो सिचुएशन चेंज हो गई। डू यू एग्री? हमारी जिंदगी का सबसे पहला मजबूत पिलर है हमारे पेरेंट्स। दूसरा पिलर होता है हमारे टीचर्स।
टीचर्स गुरु, मैं सिर्फ मेरी बात नहीं कर रहा हूं, आपकी लाइफ में बहुत सारे टीचर्स आए होंगे, टीचर्स का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान होता है। मैं तो हमेशा कहता हूं कि मेरे रगों में खून भली अग्रवाल समाज का दौड़ रहा होगा, मम्मी पापा अग्रवाल इसलिए, लेकिन मेरे शरीर में जो आत्मा है वो जावरे की, क्योंकि मेरे गुरु का नाम जावरे सर। ट्रस्ट मी, अंशुल ये नाम खुद से मिला है, अग्रवाल फैमिली नेम है, लेकिन जो नाम के आगे सीए लगाया है ना, उसके पीछे सबसे बड़ा योगदान मेरे गुरु का है। ठीक उसी तरह आपकी जिंदगी में भी कोई आपके गुरु रहे होंगे या होंगे। सो दूसरा हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा पिलर जो होता है वो होता है गुरु, और तीसरा होता है दोस्त, फ्रेंड। माय डियर फ्रेंड्स, ये तीनों वो लोग हैं जो हमें हमारी जिंदगी में बहुत कुछ सिखाते हैं, लेकिन फ्रेंड एक ऐसा बंदा होता है या बंदी होती है जो हमें वो सब कुछ सिखाते हैं जो हमारे मम्मी पापा या गुरु भी नहीं सिखा सकते हैं। समझ रहे हो? हाँ, जिंदगी में सब चीजें सीखना जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है, हाँ, लेकिन सब में से सबसे ज्यादा जरूरी क्या है वो आपको देखना है। तो ये जिंदगी के तीनों इंपॉर्टेंट स्तंभ है। मैं अपने लाइफ के तीनों इंपॉर्टेंट लोगों को प्रणाम करता हूँ। माय गुरु, माय नानी जी, शी इज नो मोर विद मी टैंजिबली, माय पेरेंट्स, माय वाइफ स्वाति अग्रवाल, माय सन विवान हु इज द सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर माय लाइफ, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यू गाइस, माय डियर वंडरफुल स्टूडेंट्स। ट्रस्ट मी, आप लोग इंदौर में नहीं थे, लेकिन हर बार जब भी मैं ऑफिस में आता था, So I used to come to this classroom and मैं विजुअलाइज करता था कि इस क्लासरूम में, अच्छा यहाँ पर जामुन बैठता था, यहाँ पर यू नो ताऊ जी बैठते थे, यहाँ भूमि बैठती थी, यहाँ सब लोग ऐसे बैठते थे, इस तरीके से वो इमेजिनेशन होता था। एंड आई एम श्योर सेम चीज आप लोगों के एंड पे भी हुई होगी, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा तो क्लास को मिस किया ही होगा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा तो मुझे भी मिस किया ही होगा। सो हियर वी आर बैक, है ना, देखो बेशर्मो कोई बात नहीं। सो मैंने तो बहुत मिस किया आप लोगों। दोस्तों यार, आप सबको पता है हम लोग जो कोर्स करने जा रहे हैं ना, हम लोग जो डिग्री करने जा रहे हैं, ये बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी। आई वाज इनवाइटेड, आई एंड स्वाति मेंबर इनवाइटेड बाय रतलाम ब्रांच ऑफ आईसीआई 2 days बैक, एंड वी वर देयर इन रतलाम ब्रांच ऑफ आईसीआई। वी वर कॉल्ड टू डिलीवर अ स्पीच फॉर द सीए स्टूडेंट। देयर वाज 2 days स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस इन रतलाम। We went over there, we spoke whatever we the topic was assigned to us, and then someone came, a lady came, she was from Board of Studies. I hope you all know what is BOS or Board of Studies. Kya hota hai Board of Studies? It is a department of ICI whose responsibility is to frame the curriculum and prepare the books. Board of Studies and Examination Departments plays Tom and Jerry role in ICI. Absolutely Tom and Jerry role. रीजन इज वेरी सिंपल, बोर्ड ऑफ स्टडीज बुक्स बनाता है और एग्जाम डिपार्टमेंट उसके ऊपर क्वेश्चन पेपर्स बनाता है। तो बोर्ड ऑफ स्टडीज से एक मैम आए और उन्होंने कहा कि सर, आई रियली अप्रिशिएट द वे यू हैव स्पोकन एंड दिस एंड दैट, एंड शी वाज वेरी मच इंप्रेस्ड। एंड देन वी हैड एन अमेजिंग डिस्कशन रिगार्डिंग द बोर्ड ऑफ स्टडीज, योर क्यूरिकुलम एंड एवरीथिंग। ट्रस्ट मी गाइज, इट रियली फील्स सो प्राउड कि किसी दिन आप जिस इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट थे, एक दिन वही इंस्टीट्यूट आपको एज अ स्पेशल गेस्ट बुलाती है और आपसे कहती है कि आप अब बच्चों को गाइड कीजिए, आप अब बच्चों का मार्गदर्शन कीजिए। ये प्रोफेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर रोज सुबह खुद से अपने आप से हमें बस ये चार लाइनें कहती है, कहनी है। मैं चाहता हूं आप सभी लोग मेरे पीछे इन चारों लाइनों को रिपीट करें। तैयार है? ओके। आई अडोर माई पैशन, आई रिस्पेक्ट माई, आई अडोर माई प्रोफेशन, I respect my passion. I salute my institute. And I'm proud to be a chartered accountant. सिर्फ एक बार अपने नाम के आगे CA ये अल्फाबेट लगाकर विजुअलाइज करो। Look at the feeling that runs through your mind. That's so amazing. ये वो गोल है, ये वो उद्देश्य है जिसके लिए आप इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं। 12th स्टैंडर्ड तक बेसिक स्कूलिंग सबकी खत्म हो गई है ना, तब तक तो हम काउंट करते थे और कितने साल हमें पढ़ना है, लेकिन आई एम श्योर अब हम लोगों को काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हमारी मंजिल हमारे आंखों के सामने है कि हाँ हमें सीए बनना है। आज का पहला दिन है, बहुत सारे सवाल आप लोगों के माइंड में होंगे, बहुत सारे सवाल डे वन के जितने भी बच्चे लाइव देख रहे हैं और बाद में जितने भी बच्चे रिकॉर्डेड देखेंगे, सबको मैं बताना चाहता हूं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर, स्पेशली दो स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू वॉच रिकॉर्डेड। ये लेक्चर में आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सवाल होंगे जैसे कि सर नोट का क्या होगा,
टेस्ट का क्या होगा, एमसीक्यूज का क्या होगा, डाउट्स का क्या होगा, टेलीग्राम ग्रुप का क्या होगा, रिविजन्स का क्या होगा, हाउ आर यू गोइंग टू मैनेज ग्रुप वन विद ग्रुप टू, ग्रुप टू को कैसे प्रायोरिटाइज करना है, होमवर्क्स कैसे करना है, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कैसे करनी है, ब्ला ब्ला ब्ला, सो मेनी क्वेश्चंस इन योर माइंड, इजंट इट, है सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, बस ये एक सेशन आप अच्छे से अटेंड कीजिएगा। वी आर गोइंग टू ले डाउन द एंटायर यू नो प्लान, एक्शन प्लान। मुझे सब लोग जानते हैं, ऑनलाइन भी जो देख रहे हैं, जो नहीं जानते उन लोगों के लिए मेरा नाम है अंशुल अग्रवाल और मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए और सीएस एक साथ क्वालिफाई किया है एंड बहुत प्राउड है इस चीज का कि बीकॉम नहीं किया है मैंने और जिंदगी में बस एक बार रिग्रेट हुआ इस चीज का, जब कभी एक बार इच्छा हुई एमबीए करने की तब पता चला मैं एमबीए नहीं कर सकता हूं, लेकिन हमारी अल्मा मैटर आईसीआई ने उस रिग्रेट को भी दूर कर दिया है। आपको पता है कैसे, कोई बताओ? द यूजीसी, यूजीसी स्टैंड फॉर यूनिवर्सिटी ग्रांड कमीशन, द यूनिवर्सिटी ग्रांड कमीशन हैज नाउ ऑफिशियली रिकॉग्नाइज सीए डिग्री एज इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन। इसका मतलब यह है, इन ऑर्डर टू परस्यू पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज you need not have necessarily BCom or BBA degree. Even if you are a chartered accountant, you will be considered at par with graduation and certainly you can pursue the post-graduation courses. So when you qualify chartered accountancy, you also become a deemed graduate. That's very important. हर एक डिग्री का अपना एक थूक होता है, एक महत्व होता है, बट ट्रस्ट मी, जिस दिन सीए बन गया उसके बाद किसी ने कभी पूछा ही नहीं कि बेटा बीकॉम हुए हो क्या, या बीकॉम में कितने मार्क्स मिले थे, कोई नहीं पूछता। इवन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, ट्रस्ट मी, इवन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी एक लेवल तक ही पूछे जाते हैं, कितने अटेम्प्ट लगे, बाद में कोई नहीं पूछता। व्हाट मैटर्स इज दीज टू प्रीफिक्स बिफोर योर नेम, सी ए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, द अल्फाबेट्स ऑफ ट्रस्ट, एक ऐसा शब्द जिसपे बैंक लाखों रुपए के लोन सैंक्शन करती है, एक ऐसा अल्फाबेट जिसपे ट्रस्ट मी इनकम टैक्स आपको अलग स्टैट्यूटरी राइट्स देता है, ग्रुप वन आप लोगों ने किया है तो आपको पता होगा, एक ऐसा अल्फाबेट जिसपे कंपनीज एक्ट के अंदर कुछ अलग प्रोविजंस हैं, कुछ अलग पावर्स। फिर जिंदगी ने मौका दिया तो इस पोजीशन और पावर को और एम्पावर किया। अगर मैंने बीकॉम नहीं किया इसका मतलब ये नहीं है मैं किसी के साथ कहीं मॉल में घूम रहा था, नहीं वो तो घूम ही रहा था, बट फिर भी उसके साथ मैंने परस्यू किया सीएस। आई एम बीकॉम फर्स्ट ईयर पास्ट, आई लेफ्ट माय बीकॉम हार्डली 7 days बिफोर सेकंड ईयर एग्जामिनेशन। व्हाई आई लेफ्ट दैट, यूट्यूब हैज आंसर्स टू ऑल दोस क्वेश्चंस, बट फॉर नाउ आई डिड सीएस एंड आई डिड सीएस बिकॉज आई वॉज हंग्री फॉर कंपनीज लॉ, आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी अमेजिंग, और मुझे लगा कि यार मुझे इसमें कुछ और करना चाहिए। अगर पारिवारिक की जरूरत नहीं होती थी कि पैसा कमाना है, I would have certainly pursued LLB as well. मैं लॉ भी जरूर करता था बिकॉज धीरे धीरे मुझे लॉ में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा, स्पेशली जब सीए फाइनल में एक लॉ पढ़ा जिसका नाम था फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। वो पढ़ने के बाद तो भाई साहब ऐसा हिल गया दिमाग पूरा कि भाई इतनी चीजें आसपास में और मुझे पता ही नहीं। सो मैं पैशनेटली टीचर हूं। दो तरीके के टीचर्स आपको मिलेंगे, एक होते हैं प्रोफेशनल टीचर्स जो टीचिंग प्रोफेशन में सिर्फ करियर बनाने आते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं, बट आने का रीजन होता है पैसा कमाना। एक होता है पैशनेट टीचर्स, और मैं अपने आप को पैशनेट टीचर इसलिए कहता हूं क्योंकि 2012 में मैंने 1 crore रुपीस पर एनम का जॉब छोड़कर टीचिंग प्रोफेशन को परस्यू किया था, और जब मैं टीचिंग प्रोफेशन में आया था तब मेरी पहले महीने की सैलरी थी 60,000 रुपए महीना, माइनस 10% TDS 6,000 रुपए, 54,000 रुपए मेरे हाथ में आते थे, That was my monthly salary. अब आप इमेजिन कीजिए 1 crore रुपए का पैकेज था 2012 में। आप सबने कैपिटल गेन्स अगर पढ़ा है तो आपको इंडेक्सेशन पता है, तो 2012 के इंडेक्सेशन से मैं डिवाइड करके 2024 के इंडेक्सेशन से अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि 1 crore पैकेज, कोई बात नहीं छोटू बाद में कर लेना, 1 crore पैकेज इन 2012 means how much amount in 2024? But I left that because I reached a point where I found that money is not satisfying me. मजा नहीं आ रहा है काम करने में, मजा नहीं आ रहा, पैसा बहुत है पर सैटिस्फैक्शन नहीं है। और फिर मैं जब इंडिया में आया तो मेरी सैलरी थी 60,000 रुपीज अ मंथ माइनस टीडीएस अंडर सेक्शन 194J प्रोफेशनल फीस 10%, 54,000 इन हैंड एंड आई वॉज मैरिड बाय दैट टाइम, बट दैट वॉज अ वेरी बोल्ड स्टेप ऑफ माई लाइफ।
बट आई नेवर रिग्रेटेड. अभी अभी मेरी सैलरी कितनी है पता नहीं सर. अब टू डेज बैक हाँ जी सरचार्ज लगता है. हाँ सरचार्ज लगता है, इस चीज को मैं डिनाई नहीं करूंगा. बट दो दिन पहले किसी एक स्टूडेंट ने आर्टिकल शेयर किया कि एक फ्रेश आर्टिकल लिखा गया मेरे ऊपर गूगल पे, जहां पर जो नेटवर्थ डिफाइन किया गया वो थोड़ा बहुत रियलिस्टिक नेटवर्थ है. वो दो दिन पहले कुछ एक आर्टिकल आया है, किसी ने तो लिखा है, गॉड ओनली नोज, मुझे भी नहीं पता, बातें होती रहती है वगैरह वगैरह. बट यार एक ऐसे परिवार से बिलोंग करने वाला बंदा जो दो रुपए की पानी पूरी खाने के लिए हफ्ता भर इंतजार करता है, वहां से लेकर यहां तक का जो सफर है, बहुत सारे पैरामीटर्स के बीच में एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो मेरी लाइफ में प्ले किया वो तीन चीजों ने किया है. एंड ट्रस्ट मी, मेरी 12th स्टैंडर्ड तक की लाइफ में मैं ये तीनों चीजों का ऑपोजिट था. ना मुझ में पेशेंस था, ना मैं किसी पे ट्रस्ट करता था, और ना सेल्फ रिलायंट था. सेल्फ रिलायंट का मतलब होता है मैं हर चीज के लिए डिपेंडेंट रहता था. लेकिन जिस दिन मैंने अपनी लाइफ में तीन चीजों को अडॉप्ट करना चालू किया, उसके बाद लाइफ काफी चेंज होने लगी. द एंटायर टीम एकाग्रता वेलकम्स यू ऑल, ऑल द स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग ऑनलाइन, ऑल द स्टूडेंट्स इन ऑफलाइन सेंटर, एंड दोज हु आर वाचिंग रिकॉर्डेड. आज हम लोग यहां पे क्या करने वाले हैं, आज का जो हमारा सेशन है ये दो चीजों पे फोकस करेगा. ध्यान से सुनिएगा. पहला, हम लोग जानेंगे हमारे सब्जेक्ट के बारे में. व्हाट इज अवर सब्जेक्ट, बिकॉज बिल्कुल नया सब्जेक्ट है. इनफैक्ट ग्रुप टू में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सारे के सारे सब्जेक्ट्स नए हैं, इज इट. जब आप फाउंडेशन पास होकर इंटरमीडिएट में आए थे तो इंटरमीडिएट में आने के बाद आप लोगों ने देखा होगा अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट था आपको उसके बारे में पता था, लॉ के बारे में भी पता था, टैक्स नया था लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया था क्योंकि पिताजी टैक्स भरते होंगे, भैया टैक्स भरते होंगे, किसी ना किसी को लगता होगा टैक्स. लेकिन ग्रुप टू में जो तीनों सब्जेक्ट्स हैं वो तीनों नए हैं. सो आज का दिन हम इन्वेस्ट करेंगे सब्जेक्ट को जानने. इनफैक्ट आज का ही दिन नहीं, इसके बाद अगले दो तीन दिन मैं सिर्फ बेसिक्स लेने वाला हूं इसके, एज इफ वी आर नॉट स्टार्टिंग एनी टॉपिक, वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स. दूसरी चीज जो आज हम करने वाले हैं, हमारे सब्जेक्ट के साथ साथ हम लोग कुछ जनरल चीजों को जानकर एक स्ट्रैटेजी फ्रेम करने वाले हैं. और इसी के अंदर हम लोग यहां पर एक चीज करेंगे, आज हम न्यू सिलेबस का, सीए इंटरमीडिएट का, May 24 का कॉस्टिंग का पेपर एनालाइज करके हम खुद ये अपने हाथों से अपने रजिस्टर में ICI का पेपर पैटर्न बनाने वाले. सो दिस इज व्हाट द एक्शन प्लान ऑफ टुडे. इजंट इट एक्साइटेड, एक्साइटेड ऑल ऑफ यू. चलिए, सो May 24 वाज द फर्स्ट एग्जाम अंडर द न्यू सिलेबस. सेक्शन वाइज वेटेज इज गिवन ऑन द ICI वेबसाइट. आप लोगों की बुक्स आप लोगों के पास है, जितने भी बच्चे ऑनलाइन है सबको बुक्स डिलीवर हो चुकी है. किसी को भी नहीं हुई है तो हमारी वेबसाइट पर जाइएगा, रेज अ टिकट का ऑप्शन है, वहां पर जाकर आप टिकट रेज करिए, हमारी टीम आपको बुक्स डिस्पैच कर देगी. बुक्स आप सबको डिलीवर हो चुकी है, आप लोग देखेंगे बहुत ब्यूटिफुली बनाई गई है कॉस्टिंग की बुक्स. एंड इट इज नॉट द एंड, इट इज जस्ट द बिगिनिंग, पता चलेगा आपको. इट्स बीन मोर देन टू डिकेड्स. टू डिकेड्स मीन्स हाउ मेनी इयर्स, 20 साल. भाई साहब 20 साल हो गए कॉस्टिंग का सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं आपसे. हाँ 20 साल हो गए हैं कॉस्टिंग का सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, बट जो चेंज हुआ है वो मैं आपको बता देता हूं. पहले ओल्ड टू ओल्ड सिलेबस में कॉस्टिंग और FM मिलाकर एक पेपर हुआ करता था 100 मार्क्स का, मतलब कॉस्टिंग वॉज पार्ट A 50 मार्क्स, FM वॉज पार्ट B 50 मार्क्स. लेकिन अब आपको पता है क्या हुआ, यही पूरा सिलेबस हो गया 150 मार्क्स का. FM अभी भी 50 है, पहले भी 50 था, अभी भी 50 है, विद द सेम सिलेबस. बट यू नो व्हाट हैज हैपेंड विद कॉस्टिंग, कॉस्टिंग का सेम सिलेबस जो पहले 50 मार्क्स का था, 50 मार्क्स का था, इट इज नाउ फॉर हाउ मेनी मार्क्स, 100 मार्क्स. व्हाट डज दैट मींस, प्लीज डोंट थिंक कि पहले जो क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता था वो 8 मार्क्स का आएगा. इट मींस नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैव इंक्रीज्ड. It means the institute has scope to ask more and more questions. It means the institute can check you on every length and breadth. But there's one more difference which I can tell you. Sir, how? Reason is very simple. I have given intermediate exam in November 2008. Aap log denge September 24 ya January 25 mein. Maine November 2008 mein jab exam di thi, maine uske pehle ke 10 saal ke paper solve kiye the costing ke. Not just of the CA Institute, but also of CWA Institute that time. Matlab Cost and Works Accountant, jiska bhi naam hai, Cost and Management Accountants.
मतलब 10 साल के पेपर सीए इंस्टीट्यूट के भी किए और सीएमए इंस्टीट्यूट के भी किए। और रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि जब मैं पढ़ता था ना तब आईसीएआई फेमस था कि वो कॉस्टिंग का पेपर सीएमए इंस्टीट्यूट के टीचर से बनवाता है। मैं ये जानना चाहता था कि आखिर वो मेंटेलिटी होती क्या है एक सीएमए टीचर की। प्लीज अंडरस्टैंड, आप जिसको महज एक 100 मार्क के सब्जेक्ट की तरह पढ़ रहे ना, वो अपने आप में एक प्रोफेशन है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अ प्रोफेशन। देयर इज अ सेपरेट इंस्टीट्यूट एंड इट हैज इट्स ओन सेट ऑफ सिलेबस। ट्रस्ट मी गाइस, ये पूरा सब कुछ हमें पढ़ना है यहां पर सिर्फ एक 100 मार्क के पेपर के तौर पे। दिस इज क्रेजी मैन। लेकिन अब मैंने देखा है, जो पिछले 3-4 सालों से मैं देख रहा हूं, इंस्टीट्यूट खुद क्वेश्चंस बना रहा है। नाउ इंस्टीट्यूट इज नॉट गोइंग टू सीएमए इंस्टीट्यूट, बट मेरी बुक बनाते समय मैंने इन चीजों का ध्यान रखा है। मेरी बुक बनाते समय मैंने, ध्यान से देखिएगा, इसमें आपका आईसीआर मॉड्यूल कवर किया है, आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू कवर किया है, इसके अलावा सीएमए इंस्टीट्यूट के कुछ क्वेश्चंस है, इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस मैंने खुद ने बनाए हैं, और इस तरीके से आपको मिले हैं 2 वॉल्यूम्स, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, विच इज डिवाइडिंग ऑल द टॉपिक्स। बट सर एक बात बताइए, आपने एडवांस अकाउंटिंग में वॉल्यूम 3 दिया था, सेल्फ प्रैक्टिस बुक, हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो क्या? यू विल गेट वॉल्यूम 3 इन पीडीएफ इन दिस बैच एज वेल। कॉस्टिंग का भी आपको वॉल्यूम 3 मिलेगा, बिकॉज उसके सॉल्यूशंस अभी भी मैं कर रहा हूं, टाइपिंग हो रहे हैं, उस चक्कर में वो पीडीएफ आप लोगों को दिया जाएगा और यू विल डेफिनेटली गेट एडिशनल प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फॉर दिस। बट कॉस्टिंग में बस एक चीज ध्यान रखना, नंबर ऑफ क्वेश्चन से कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स दैट बटन, वो जो स्विच मैं आपको कह रहा हूं, वो आपके दिमाग में स्विच चालू हो जाना चाहिए। और ट्रस्ट मी, जिस दिन वो स्विच चालू हो गया ना, आप हर जगह सवाल ढूंढोगे, ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। और जिस दिन ये सवालों के जवाब आपको मिलने लगे, समझ लेना आपका कॉस्टिंग हो गया। सो नेवर मेजर कॉस्टिंग विद द नंबर ऑफ क्वेश्चन। आई होप जितने भी बच्चे यहां बैठे हैं उन सबका दिमाग बहुत क्लियर है, माइंडसेट बहुत क्लियर है कि हमें एक ग्रुप या दो ग्रुप के बारे में नहीं सोचना है। हमारे लिए सीए इंटरमीडिएट मतलब क्या है, 6 पेपर्स है, 6 सब्जेक्ट्स है। वी हैव टू स्टडी वेरी वेरी केयरफुली एंड प्रॉपरली। आई होप यू आर वेरी वेल वर्स अबाउट योर 6 सब्जेक्ट्स, एडवांस्ड अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट लॉस, एलएलपी एंड अदर लॉस, टैक्सेशन, 300 मार्क्स ग्रुप 1। वेल यू नो इन द न्यू सिलेबस द ब्यूटी इज नाउ देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। पहले था, अब नहीं है। अब अगर कोई बच्चा जो जनवरी 25 की एग्जाम्स देना चाहता है, ध्यान से सुनना, आप लोगों की तरह जनवरी 25 की एग्जाम देना चाहता है, लेकिन अभी तक बंधु ने क्लासेस ही नहीं की, तो अब वो आज से ग्रुप 2 चालू करके 15 अगस्त तक ग्रुप 2 खत्म करके उसके बाद ग्रुप 1 की बैच ज्वाइन कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज अब एग्जाम साल में कितनी बार होने वाली है, 3 बार, इन द मंथ ऑफ सेप्टेंबर, इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड इन द मंथ ऑफ मे, ये ध्यान रखना है। कॉस्टिंग इज 100 मार्क। ऑडिटिंग एंड एथिक्स, यू आर गोइंग टू मीट अभिषेक सर, एक्चुअली यू आर गोइंग टू मीट अभिषेक सर, एंड देन एफएम एंड एसएम वी हैव टू टीचर्स, दर्शन जैन सर एंड जतिन डेमला सर। एग्जाम्स आर कंडक्टेड ऑन अल्टरनेटिव डेज, इस बार भी आपने देखा, बट इस बार तो इलेक्शंस की वजह से काफी ज्यादा गैप्स थी पेपर्स में, बट हर बार नहीं होगा, अल्टरनेटिव डे होती है एग्जामिनेशंस, इस चीज को रखना है ध्यान। आपका टाइम टेबल आप लोगों के सामने है, टीम एकाग्रता का टाइम टेबल ध्यान से देखिएगा। सो मंडे टू सैटरडे वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व द टाइम टेबल, वेयर मॉर्निंग 8 o'clock वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद कॉस्टिंग, 8 to 10 यू विल बी हैविंग 15 मिनट्स ब्रेक, फॉलोड बाय 10:15 to 12:45, 2.5 hours का स्लॉट है फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सो जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिए होंगे ऑनलाइन के, आप लोगों ने टीचर सेलेक्ट किया होगा दर्शन सर या जतिन सर, वो बाद में चेंज नहीं होगा, वंस सेलेक्टेड इट कैन नॉट बी चेंज्ड। आप रिस्पेक्टिव टीचर्स की क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, दोनों की क्लासेस पैरेलली होने वाली है। जिन्होंने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, यूट्यूब पे 10 days का डेमो है, आप देखकर यू कैन मेक अ वाइज चॉइस, बट अगेन आई रिपीट, वंस यू मेक सिलेक्शन यू कैन नॉट चेंज, अवर सिस्टम अवर टेक्नोलॉजी डजंट अलाउ इट। देन 12:45 to 1:30 इज योर लंच टाइम, लंच अब आपका थोड़ा प्रीपोन हुआ एज कंपेयर टू ग्रुप 1, सो कुछ दिन लगेंगे आपको इस नए टाइम टेबल में एडजस्ट होने में। 12:45 to 1:30 लंच होने के बाद आपका सेशन है 1:30 से 3:30 ऑडिटिंग का, फॉलोड बाय अ ब्रेक
एंड देन यू हैव अ सेकंड सेशन ऑफ ऑडिटिंग 3:45 टू 5:30 पीएम। माय डियर फ्रेंड्स, ऑडिटिंग के जो हमारे टीचर है अभिषेक सर, ही हैज ट्रेवल्ड फ्रॉम मुंबई एंड ही स्टेइंग इन इंदौर टू टीच यू द सब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग। He will be completing his batch most probably by mid of July. So, अब अगर आप देखेंगे mid of July के बाद आपका टाइम टेबल कितना बचेगा, आप समझ रहे हैं मेरी बात? You will be having ample of time to study your group ones, your group two, everything. एक session मैंने आप लोगों का लिया था, how to manage group two revisions along with group one. Correct? I hope सबको मालूम है कैसे मैनेज करना है, कैसे पढ़ाई करना है, सबको वो पता है। उसके अकॉर्डिंगली आपको आपका टाइम टेबल बनाना है। क्या मैंने आपको एक डेली शेड्यूल बताया था, 2 hours मंडे टू सैटरडे एंड 4 hours ऑन संडे। डे वाइज सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल आपको बना के दिया है, बस आपको उसे फॉलो करना है। तो ये चीज आपको रखनी है ध्यान। सीए इंटरमीडिएट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए हमारा जो ये क्लास का स्कोप है वो है मेरे नोट्स। नोट्स कैसे लगे सभी को, अच्छे लगे? चलिए, जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, प्लीज शेयर योर फीडबैक्स विद मी। आपको नोट्स कैसे लगे हैं, बुक्स कैसे लगी है? मैं सिर्फ इतना कहूंगा, सिर्फ बुक्स के प्रिंटिंग पे मत जाना। बच्चे काफी बार क्या होते हैं, फैसिनेट हो जाते हैं, पहला टीचर का फोटो अच्छा है, बुक्स के पेपर अच्छे हैं, कलरफुल है ये वो। मैं ये कह रहा हूं कि जेन्युइनली कहते हैं ना, गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, गोरा रंग तो दिन में ढल जाएगा। अरे भाई साहब, ये कलर ये पेपर कुछ काम नहीं आएगा अगर वहां पर जाकर मार्क्स नहीं मिलेंगे तो सही मायने में बुक सही है या नहीं है ये आप डिसीजन जजमेंट तुरंत नहीं दे सकते। थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिएगा आज अपनी बुक्स के साथ, स्पेंड सम टाइम एंड देन यू विल कम टू अ कंक्लूजन वेदर यू आर लाइकिंग द बुक्स और नॉट। एज आई सेड, सी फॉर कॉस्टिंग एंड सी फॉर कॉमन सेंस, ये चीज हर रोज हमें अपने दिमाग में रखनी है। हमें सही तरीके से चीजें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? एक बात बताइए, इंग्लिश में ए से लेकर जेड तक कितने कैरेक्टर्स होते हैं? 26 कैरेक्टर्स होते हैं। बहुत बढ़िया चौहान भाई, 26 कैरेक्टर्स जो होते हैं ना, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट होता है डब्ल्यू, बिकॉज डब्ल्यू इज द कैरेक्टर जहां से बहुत सारे सवाल उठते हैं, व्हाई, व्हेन, व्हाट, है ना, हु, वेयर। ये सवाल दिमाग में आना चाहिए, अच्छी बात है, और उन सवालों का जवाब ढूंढना ये सेल्फ रिलायंट बनाता है। जब आपका दिमाग इस तरीके से सोचने लगता है तब आप सेल्फ रिलायंट बनते हैं। आपने मेरे व्लॉग्स देखे होंगे, टेम्परेरीली बंद है, इस महीने वापस स्टार्ट करने वाला हूं मैं व्लॉग्स, टेम्परेरीली बंद है। आपने मेरे व्लॉग्स देखे होंगे तो जनवरी में हम लोग शिफ्ट हुए थे बैंगलोर से इंदौर, तब से लेकर अभी तक विवान स्कूल नहीं गया है। And the credit goes to obviously one person. और अब वो स्कूल जाएगा 1st of July से इंदौर में, लेकिन मुझे अभी से पता है कि वो एक जगह स्ट्रगल करने वाला है, और वो अकेला नहीं, मैं भी स्ट्रगल करूंगा, मैम भी स्ट्रगल करेंगे, और वो है एजुकेशन पैटर्न में। आई वुड रियली लाइक टू अपलॉड साउथ इंडिया, स्पेशली बैंगलोर ओवर हियर फॉर द एजुकेशन सिस्टम, एंड आई वुड लाइक टू स्पेयर 2 minutes टू एक्सप्लेन यू वॉट इज द डिफरेंस इन सदर्न इंडियन एजुकेशन सिस्टम वर्सेज द अदर इंडियन एजुकेशन सिस्टम। In Bangalore, they don't take examinations till 5th standard. And they focus on developing the analytical and application skills of a kid. That means what? If you compare yourself, who would have studied from other part of India, I did my basic schooling from Jodhpur, Rajasthan. So, हमारे ऊपर हमेशा exam का और marks का pressure होता था, isn't it? हमें marks लाने हैं, हमें याद करना है, समझने पे, apply करने पे कभी कोई focus नहीं करता था। जो मैंने ऑब्जर्व किया है, क्योंकि विवान का फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड बैंगलोर से हुआ है, फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड में विवान का लेवल ऑफ नॉलेज किसी भी और स्टेट के थर्ड और फोर्थ के बच्चे से ऊपर था, बिकॉज बैंगलोर में कभी भी चीजों को रटने पे और मार्क्स लाने पे फोकस नहीं किया था। आई रिमेंबर आई मेट द प्रिंसिपल, द टीचर्स ऑफ बैंगलोर स्कूल्स, एंड दे ऑलवेज सेड वन थिंग, दैट बच्चा मार्क्स लाकर क्या करेगा, द चाइल्ड मस्ट प्रूव दैट ही इज इंटेलिजेंट, not a paper should prove that he is an intelligent guy. And that's the reason why most of the scientists comes from southern India. That's the reason why we say that southern India has a literacy ratio of 100%. Uske school mein 5th tak exams nahi hoti Bangalore mein, lekin yahan Indore mein exams hoti hai. Vivan is not used to give exams, but he is used to apply the knowledge what he has gained. But that's not the case over here in Indore.
So he has to face that challenge. But I'm sure you guys are not going to face that challenge because I'm there for you. मैं आप लोगों को ये सब्जेक्ट इस तरीके से समझाऊंगा कि हमें रटना कुछ नहीं है, हमें हर चीज को कंसेप्चुअली समझना है. इसीलिए मैं बार बार कहता हूं सी फॉर कॉस्टिंग एंड सी फॉर कॉमन सेंस. क्या जरूरत है हमें इस सब्जेक्ट को किस तरीके से कॉन्कर करना है. What are the general strategy points to understand this subject? पहले दिन है, सब चीजों पे आज ही चर्चा. कोई भी सवाल होगा तो बिंदास मुझसे सवाल पूछेगा. Understand your limits and you need to perform beyond those limits. आपके माइंड में एक नोशन बना हुआ है, एक एक्सपेक्टेशन बनी हुई है, मैं ये कर सकता हूं और मैं ये नहीं कर सकता हूं. और ये किसके बेसिस पे बनी है? जो आपको खुद के बारे में पता है. जैसे आपको पता है कि यार मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से आता हूं जहां पे परिवार में किसी ने पढ़ाई नहीं की है, मैं अपने परिवार का पहला हूं या पहली हूं जो पढ़ाई करने जा रहा है, तो मुझे तो बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा. मेरे परिवार में, मेरे सराउंडिंग में कोई इंग्लिश नहीं बोलता है और मुझे इंग्लिश बोलने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा. आपको ऐसा लग सकता है कि मैं तो बचपन से डफर था, एवरेज स्टूडेंट था, तो शायद मैं अभी भी एवरेज स्टूडेंट ही रहूंगा, तो मुझे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. यह अच्छी बात है कि हमें खुद के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन उसको एक्सेप्ट कर लेना यह गलत बात है. हमें उसको ओवरकम करना चाहिए. वी हैव टू गो बियॉन्ड दैट, वी हैव टू परफॉर्म बियॉन्ड दैट. माई डियर फ्रेंड्स, यू शुड नो योर लिमिट एंड यू शुड सरपास दोज लिमिट, बिकॉज इन ग्रुप टू यू हैव 150 मार्क्स ऑफ प्रैक्टिकल and 150 marks of theory. Don't forget that. Someone may say that mera theory bahut acha, but my practical is not good. So you have to work more on practical. Someone may say vice versa. You have to work more on theory. But you know this fact today. So you have to work on it today. Don't return empty-handed. Iska matlab kya hai? Ab yaar ye teen baar attempt hone se pata hai. Mere liye personally, jo mujhe ek dil ko mere baat chupti hai, wo ye hai ki main pareshan ho gaya hu. बच्चा एग्जाम से पहले मैसेजेस कर रहा है, सर आई एम नॉट फीलिंग लाइक गिविंग दिस एग्जाम, आई विल गिव नेक्स्ट टाइम बेटर प्रिपरेशन, रॉम्ब सॉलिड मेरिट रैंकिंग. अबे व्हाट मेरिट रैंकिंग, व्हाट मेरिट रैंकिंग? डू यू एग्री विद मी? व्हाट एवर हैवंट हैपेंड टुडे कांट हैपन एवर. डू यू एग्री विद मी? भाई जो तूने, सॉरी फॉर माय वर्ड, जो तूने 8 महीने में नहीं उखाड़ लिया, अभी क्या उखाड़ लेगा है? 3 महीने और मिल गए तो बहुत कुछ तोप मार लेगा. क्या कर लेगा भाई? जो आज होना है वो आज ही होगा, ये चीज समझ लेना. ये एक्सक्यूजेस हैं कि अगर मैं अटेम्प्ट डिले करता हूं तो मैं मेरिट आ जाऊंगा, मैं पास हो जाऊंगा. ऐसा नहीं है, जाकर अटेम्प्ट देके आना है. फीस भर दिया ना भाई, फीस भर दिया, अटेम्प्ट भी काउंट हो गया. अब सिंपल सा एक माइंड में थॉट पता है क्या रखने का है, मुझे टेस्ट सीरीज समझ के देना है. मैंने पैसे भर दिए, आई हैव टू गो एंड सिट इन एग्जाम एज इफ आई एम अपीयरिंग फॉर अ टेस्ट सीरीज. आपको मैं बता दूं, ये मेरी बात से ज्यादा ही एक्टिवेट हो जाती है. आपको मैं बता देता हूं कि जो आईसीएआई की एग्जाम्स होती है ना, इसमें जो प्रेशर होता है वो बहुत अलग लेवल का होता है. जिन लोगों ने मई में भी एग्जाम्स दी है, जब वो पेपर लिख रहे थे ये पसीने टपक रहे थे. दिस टाइम इंडिया इज सोइंग विद हीट, है ना, ये पसीने टपक के गलत गलत जगह जा रहे थे. बच्चे क्या करें, वहां से ध्यान हटाकर पेपर पे ध्यान देना है बहुत डिफिकल्ट है. एग्जाम्स में कोई सेंटेंस में कोई एसी थोड़ी चलेंगे, वहां तो पंखे भी चल लिए तो बहुत बड़ी बात है. कहीं टेबल हिल रही है, कहीं टेबल में गड्ढे हैं, लिख रहे हैं पेपर में, पुचुक खड्डा हो गया आंसर शीट में. वो आंसर शीट में नहीं, तेरी किस्मत का खड्डा है रे, समझ रहा है, तेरी किस्मत में खड्डा हो गया है. अच्छे अच्छे बच्चे पैनिक हो गए पेपर में, समझ ही नहीं आ रहा है कर क्या रहा है, क्या हो रहा है. एग्जाम सेंटर्स ऐसे ही रहेंगे, जिस तरीके की बेंचेस में आप अभी बैठे हैं, जिस तरीके एनवायरनमेंट में आप अभी बैठे हैं, इतना कंफर्टेबल एनवायरनमेंट होगा वहां नहीं. तो यार मेरे हिसाब से अगर एग्जाम फीस भर दी है तो क्यों ना जाकर बैठे एग्जाम में एज इफ इट इज अ टेस्ट सीरीज. ये इंपॉर्टेंट है. प्रॉपर गाइडेंस एंड स्टडी प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट राइट फ्रॉम डे वन. अगेन आई एम टेलिंग यू टूडे, हर रोज खुद को आपको ये इवेल्युएट करना है कि मेरी ये जो क्लास है जिसको मैंने डे वन पे चालू किया था, सब एक साथ एक लाइन में खड़े थे, आज मैं कहां पे हूं. और आप बेंचमार्क मेरे साथ करेंगे, क्या मैं अंशुल सर के साथ खड़ा हूं या खड़ी हूं या नहीं, मैं पीछे हूं मैं आगे हूं, वो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा. एम्पल ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस रिक्वायर्ड.
पहले दिन पे मैं आपको सूत्र और मंत्र बता देता हूं कॉस्टिंग का, जो मेरी बुक है वॉल्यूम 1 और 2 है, इसको आपको मिनिमम 3 बार सॉल्व करना है, 3 टाइम्स, कैलकुलेटर पे नहीं, आंखों से नहीं, प्रैक्टिकली लिखकर सॉल्व करना है मिनिमम 3 बार। ट्रस्ट मी, जो आपके दिमाग में एक नोशन बना हुआ होगा ना, हिला अमालगमेशन के क्वेश्चन कितने बड़े थे, कंसोलिडेशन के क्वेश्चन कितने बड़े थे, मां कसम बता रहा हूं कॉस्टिंग में ऐसा कुछ नहीं है। मुझसे अगर कोई पूछे भी ना मरने से पहले कि तेरी आखिरी इच्छा क्या, मैं कहूंगा कॉस्टिंग का एक बैच लेकर मरूंगा। रीजन बहुत सिंपल है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कोई फ्रेमवर्क नहीं है। डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म फ्रेमवर्क, बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेमवर्क। फ्रेम, फोटो फ्रेम, वर्क दायरा, उस फोटो फ्रेम में, बॉर्डर में, दायरे में रहकर काम करना, उसको कहते हैं फ्रेमवर्क। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप अकाउंट्स में पढ़ते हैं, हमने एक चैप्टर पढ़ा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी में फ्रेमवर्क नहीं है, ये चीज जाएगी पीएनएल में, ये बैलेंस शीट में, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, फलाना ढिमकाना। अपना दिमाग चलाने का स्कोप है क्या भाई, बता? आप लोगों ने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा है, दिमाग चलाने का स्कोप ही नहीं है। लॉ ने कुछ कहा है उसे अप्लाई करना है, AS 14 पढ़ा है, अमालगमेशन, जो अमालगमेशन में कहा है उसे फॉलो करना है, अपना दिमाग नहीं चलाना। लेकिन कॉस्टिंग में बिल्कुल बिल्कुल उसका उल्टा है, सिर्फ दिमाग ही चलाना है, क्योंकि कोई दायरा ही नहीं है। द ब्यूटी ऑफ दिस सब्जेक्ट इज देयर इज नो लिमिट। अ सेम क्वेश्चन कैन बी सॉल्व इन 10 different ways बाय 10 different स्टूडेंट्स। You may discover your own method, and let me tell you, it is not wrong. It is not wrong at all, provided you understand that subject conceptually and you do ample of practice. Periodical self-assessment, introspection is very important. Legible handwriting, neat presentation, consistent, persistent study schedule, forming an appropriate study group. Now again, I will pitch in for this thing. Study groups are very important. आप सब लोग इतने जने क्लास में हैं। आप सब लोग आज एक दूसरे से मिलेंगे, कुछ लोगों को पहले के कुछ एक्सपीरियंस है एक दूसरे के बारे में। यू नीड टू फॉर्म अ स्टडी ग्रुप। 7 बजे तक एकेडमी चालू रहती है, ऑफिस चालू रहता है। प्लीज सिट इन द ऑफिस आफ्टर योर क्लासेस गेट्स ओवर। बट सर हम लोग थक जाएंगे ना, तो थक जाएंगे, मर थोड़ी जाएंगे। भारत में अभी तक डेटा है किसी भी बच्चे की मौत पढ़ाई के वजह से तो ब्रेन हेमरेज या हार्ट अटैक के वजह से नहीं हुई, कि किसी की याददाश्त चले गए, इसने इतना कॉस्टिंग पढ़ लिया कि इसके ब्रेन में क्लॉट निकला, डॉक्टर ने और सर्जरी करके क्लॉट निकाला तो उसका नाम डीटी था। ऐसा कभी हुआ नहीं है, ऐसा इंडिया में कभी नहीं हुआ, विश्व में भी कहीं नहीं हुआ। तो आप उसकी चिंता मत करना, मरवर तो कोई भी नहीं जाओगे 100, और फिर भी सपोज बाय चांस मर गए, 1% मर गए, तो शहीद क्या लाओगे ना यार, माँ बाप बड़े प्राउड से कहेंगे हमारा बेटा क्या हुआ, हमारा बेटा डीटी पढ़ते पढ़ते पीजीबीपी में शहीद हुआ, आज हमारा बेटा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस 56-2 पढ़ते हुए शहादत मिल गई उसको, बहुत बढ़िया। अब समझ रहे हो, सो ऐसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये पढ़ना बहुत जरूरी है। मेक योर ओन नोट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टीचर्स आपको कितने भी समरी नोट दे दे, कितने भी चार्ट बुक्स दे दे, कितनी भी फॉर्मूला बुक्स दे दे, कंपाइलेशन दे दे, एमसीक्यू बैंक दे दे, फला, एक चीज समझ लेना, आपको यह सोचना है कि सिर्फ आपको अपने रूम में रद्दी जमा करना है या अपने दिमाग में सब कुछ जमा करना है। एग्जाम में आपके साथ क्या जाएगा, रद्दी जाएगी क्या? बड़े बड़े लोग क्लेम करते हैं, कहते हैं हमारे पता है इंटरमीडिएट के कोर्स में 28 किताबें आती है, हमारे बुक के किट में 25 किताबें आती। अबे 28 किताबें और 25 किताबों का क्या करें, अगर खोपड़िया में कुछ नहीं है तो क्या करिएगा, अचार डालिएगा। इंपॉर्टेंट है यहां सेव करना, समझ में आ रहा है, यहां पर सेव करना, डेटा यहां पे सेव होना चाहिए। अपने नोट्स जब आप खुद बनाओगे, मैं अभी बता रहा हूं कॉस्टिंग के अंदर मैं फॉर्मूला बुक नहीं दूंगा, बनी भी है तैयार है, नहीं दूंगा। क्यों सर? क्योंकि मैं बनवाऊंगा फॉर्मूला बुक, आप बनाएंगे। आपको पता है ये हमारा इनपुट डिवाइस होता है, जिस मोमेंट पे हम कोई चीज लिखते हैं ना हमारे दिमाग में बहुत तेजी से जाती है, और एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, ये चीज इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मैं बार बार कॉमन सेंस पे फोकस करूंगा,
कॉमन सेंस इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस. एक भी क्वेश्चन, एक भी कंसेप्ट अगर आपने परवेसिव नेचर में जाने दिया, परवेसिव का मतलब क्या फर्क पड़ता है एटीट्यूड, एक भी मतलब ठीक है सर लिखवा रहे हैं, हम लिख रहे हैं, अपनी धुन में बैठे हैं, आधी नींद में आधे मरे पड़े हैं, चल रहा है, ख्यालों में है, आज किसी के ख्यालों में, कोई हमारे ख्यालों में, उससे कुछ नहीं होने वाला भाई, कुछ भी नहीं होने वाला. मैंने आपको पहले सिखाया था इंडिगो एयरलाइंस के एयरक्राफ्ट में कॉकपिट के दरवाजे पे एक स्टिकर लगा होता है जो कहता है कीप ऑल योर वरीज आउटसाइड दैट डोर वंस यू एंटर इनसाइड दिस डोर बिकॉज फ्लाइंग इज अ सीरियस प्रोफेशन. ठीक उसी तरह आपके क्लास के दरवाजे पे और जो ऑनलाइन देख रहे हैं आपके घर के स्टडी रूम के दरवाजे के ऊपर ऐसा ही एक स्टिकर लगा होना चाहिए. कृपया अपने माता पिता भाई रिश्तेदार और सारे जिंदगी की परेशानियों को बाहर ही रखें, रूम के अंदर ना आने दें बिकॉज ये समय वापस नहीं आएगा. समझ लीजिएगा, दिस विल नेवर कम बैक. एम्पल ऑफ प्रैक्टिस आई ऑलवेज टोल्ड यू, पंक्चुअलिटी एंड रेगुलरिटी इन क्लासरूम, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. Every single morning, whenever you are going to wake up, you are going to face a challenge with yourself. मैं उठूं या मैं ना उठूं? मैं उठूं या मैं ना उठूं? आपके आसपास का सराउंडिंग इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा. रूममेट के खराटों की आवाज आपको मजबूर कर देगी, आपको घुटनों पे ले आएगी कि नहीं मुझे अब नहीं उठना है, मुझे सोए रहना रहे हो ऊपर वाले, ये कैसा जुल्म है मेरे ऊपर, हर रोज सुबह मुझे उठना पड़ रहा है. पहले आपका सबसे पहली परीक्षा वहीं से चालू होगी. यू हैव टू बी वेरी वेरी पंक्चुअल. बैकअप्स आपको मिलते हैं, मिलेंगे, पर मैं फिर से बता रहा हूं बैकअप्स इसीलिए नहीं दिए जाते कि आप उसका मिसयूज करें. योर होम एक्सरसाइज इज नथिंग बट योर सेल्फ स्टडी, डेली असेसमेंट वाइल चेकिंग होमवर्क, प्रैक्टिकल अप्रोच रखना है, डेवलप लीगल एंड प्रोफेशनल लैंग्वेज. ऑडिटिंग के पेपर के लिए स्पेशली ये पॉइंट है, आपको ऑडिटिंग के अंदर लॉ की बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है. आई एम श्योर लॉ में जब आपने पढ़ाई की है, आपने आंसर्स लिखना सीखा है, सो आपके अंदर वो लीगल राइटिंग डेवलप हो गई होगी, राइट, हाउ टू राइट आंसर्स. हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में भी लिखे हैं तो आपको पता चला होगा फैक्ट्स ऑफ द केस, यू नो एनालिसिस ऑफ द केस, कंक्लूजन एंड ऑल. लेजिबल हैंडराइटिंग, नीट प्रेजेंटेशन एंड ऑर्गेनाइजिंग योरसेल्फ, डीप प्लानिंग एंड हार्ड वर्क एंड कमिटमेंट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आपके पास आपके सारे औजार होने चाहिए, स्टिकी नोट्स होना चाहिए, वाइटनर्स होने चाहिए, अलग अलग कलर के पेन होने चाहिए ताकि अभी जब आप पढ़ेंगे तो आप अच्छे से पढ़ सकें. आपकी जो कॉस्टिंग की बुक्स है इसके अंदर परमानेंट मार्कर्स यूज करना पड़ेगा आपको, मार्केट में आते हैं परमानेंट मार्कर. नॉर्मल पेन से लिखोगे ना, समय के साथ दिमाग में से कंसेप्ट और बुक में से लिखा हुआ दोनों गायब हो जाएगा, लेकिन परमानेंट मार्कर दिमाग से भले ही चला जाए पर बुक में परमानेंट मार्कर रह जाएगा. सो आप सबको परमानेंट मार्कर्स लेने होंगे जिससे आप कॉस्टिंग की बुक के अंदर लिखेंगे. छोटी से छोटी चीज को लिख के रखना है, जो भाषा में समझे उस भाषा के अंदर आपको लिख के रखना है, इस चीज का रखना है ध्यान. अब हम एक काम करते हैं, कॉस्टिंग के लिए आपको दो रजिस्टर्स लगेंगे ऑफ 200 पेजेस ईच, या अगर कोई एक रजिस्टर बनाएगा दैट विल बी फॉर 400 पेजेस. आई पर्सनली डोंट सजेस्ट वन रजिस्टर ऑफ 400 पेजेस बिकॉज डेली यू हैव टू कैरी एंड इज गोइंग टू बी वेरी बल्की. सो यू विल नीड हाउ मेनी रजिस्टर्स, टू रजिस्टर्स ऑफ 200 पेजेस, करेक्ट. I want all of you to come to your registers, open your registers, और जो भी आप लिखना है, ओम श्री गणेश भैरवाय नमः हनुमाय नमः, जो भी आपको लिखना है, जय श्री राम, जो भी है आप लिखिए और शुरू कीजिए. हम लोग अभी यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं ICAI का PYQ एनालिसिस. कॉपी रजिस्टर खरीदना भूल गया, बहुत बढ़िया. हाँ जी, आज लेना है, बहुत बढ़िया.
चलिए तैयार हैं सभी लोग। सो आप लोग अगर अपनी बुक्स ओपन करके देखेंगे तो आपके बुक्स के अंदर मैंने रजिस्टर का इंडेक्स दिया है, चेक कीजिएगा सभी जने। आपके बुक्स में रजिस्टर का इंडेक्स है तो अलग से रजिस्टर का इंडेक्स बनाने की जरूरत नहीं है। जितने भी बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं आप लोगों के लिए कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता दूं। नोट्स आपको हार्ड कॉपीज में तो दिए ही गए हैं, प्लस सॉफ्ट कॉपीज में भी अगर आप नोट्स एक्सेस करना चाहते हैं तो एकाग्रता सीए का जो ऐप है वहां पर आप जाएंगे, ऐप पे जाके आपको वहां पे कंटेंट फोल्डर दिखेगा। कंटेंट फोल्डर में आप देख सकते हैं नोट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, पीडीएफ नोट्स हैं। इसके अलावा नोटिस बोर्ड वहां पे एक ऑप्शन दिखेगा एकाग्रता सीए ऐप में, अभी नहीं क्लास के बाद आप देखिएगा, उसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोटिसेस मिलेगी जहां पे मैंने आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट लिंक शेयर की है एकाग्रता सीए टेलीग्राम ग्रुप की, गूगल ड्राइव के कंटेंट फोल्डर की और मेरे टेलीग्राम ग्रुप की। मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे डाउट सॉल्वर्स है, आपके डाउट्स जो भी होंगे वो वहां पर सॉल्व हो जाएंगे। सो यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। जिसने भी ज्वाइन नहीं किया है यहां पर डायरेक्टली मैंने क्यूआर कोड्स भी दिए हैं, आप इसको स्कैन करके डाउनलोड कर सकते हैं, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बिसाइड दैट वी हैव क्रिएटेड अ गूगल ड्राइव फोल्डर फॉर ऑल ऑफ यू। गूगल ड्राइव फोल्डर की लिंक कहां मिलेगी आप सबको मैं बता देता हूं। जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उसके डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाएंगे तो एडवांस्ड अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों की गूगल ड्राइव की लिंक्स आपको वहां मिलेगी। तो गूगल ड्राइव पे आपके पास क्या है अब आप देखना, जैसे कि मैंने कहा इवन फॉर एफएम एंड कॉस्टिंग दोनों में ब्यूटी ऑफ द सब्जेक्ट इज पिछले दो दशकों से सिलेबस चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब जानते हो क्या है, जो ओल्ड सिलेबस की आरटीपी थी वो हमें अभी भी एप्लीकेबल है, जो ओल्ड सिलेबस के पीवाईक्यूज थे वो भी हमें अभी भी एप्लीकेबल है, जो ओल्ड सिलेबस के एमटीपी थे वो भी हमें अभी भी एप्लीकेबल है। बट द क्वेश्चन में अराइज सर हमारे पास ये सारे रिसोर्सेज आएंगे कहां से, व्हाट्सएप ग्रुप अक्षत जैन इट्स देयर फॉर द ऑफलाइन स्टूडेंट्स, हमारे पास ये रिसोर्सेज आएंगे कहां से। आपके लिए रिसोर्सेज मैंने ऑलरेडी डाल के रखे हैं गूगल ड्राइव फोल्डर पे, अगेन आई रिपीट उसकी लिंक आपको मिलेगी इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ माई टेलीग्राम ग्रुप जिसका क्यूआर कोड यहां आपके सामने है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो एडवांस्ड अकाउंटिंग की तरह देर आर ऑडियो पॉडकास्ट, देन यू हैव आईसीआई पीवाईक्यूज ओवर हियर, ओके द पीवाईक्यूज आर देयर ओवर हियर, देन ऑल द आरटीपीज आर अपलोडेड, स्टडी मटेरियल इज अपलोडेड, एमटीपी इज इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग अपलोडेड। मिक्स्ड बिन फोल्डर बनाए जिसमें कुछ होमवर्क क्वेश्चन के सॉल्यूशंस होते हैं या क्लास में जो मैं लिखूंगा ना उसको पीडीएफ कन्वर्ट करके यहां पर अपलोड करूंगा तो आपके पास वो भी रहेगा। टेस्ट पेपर्स एंड सजेस्टेड आंसर्स यहां पर आपके पास रहेंगे और ये पिछली बैच का ट्रैकर है, सिर्फ रेफरेंस के लिए अगर किसी को यूज करना है, ये रहा आपकी बैच का ट्रैकर। ट्रैकर मतलब क्या, अ डॉक्यूमेंट लाइक दिस जहां पर हर रोज की नोटिंग होने वाली है कि किस दिन कौन सा चैप्टर हुआ, कौन सा कंटेंट हुआ, उसमें क्या हमने पढ़ा, वो सब कुछ यहाँ पे आपके पास रहेगा। आप लोगों ने अगर चेक किया होगा आपका एडवांस अकाउंटिंग का ट्रैकर कंप्लीट हो चुका है, देखा आप लोगों ने, यूजफुल है। अब बैच खत्म हो गई है लेकिन आपके पास पूरा कंटेंट है कि किस तरीके से कहां पर क्या चीज हुई थी। ठीक उसी तरह कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी आपके पास ये पूरा ट्रैकर रहने वाला है, ठीक है। चलिए सबसे पहले एनालिसिस करते हैं, लिखना कुछ भी नहीं अपने रजिस्टर में, सिर्फ फोकस करना है यहां पर कि कॉस्टिंग के पेपर का फॉर्मेट कैसा है। दोस्तों आपको पता है कि नए सिलेबस के अंदर अब इंस्टीट्यूट ने इंटरमीडिएट के हर पेपर में 30 मार्क्स के एमसीक्यूज इंट्रोड्यूस किए हैं एंड दीज एमसीक्यूज आर नॉट हैविंग एनी टाइप ऑफ नेगेटिव मार्किंग, बट लेट मी टेल यू दीज एमसीक्यूज आर ट्रैप, ट्रस्ट मी और नॉट, ये फैक्ट है, ये एमसीक्यूज ट्रैप है, आपको फसाया जा रहा है। फसाया ऐसे जा रहा है कि एमसीक्यूज आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी को और एप्लीकेशन को टेस्ट करता है। दोस्तों सीए फाइनल के जो पेपर्स होते हैं वो केस्ट बेस्ड स्टडी पेपर्स होते हैं। इसका मतलब क्या है, आपको जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं होते, क्वेश्चंस दिए जाते हैं सिचुएशनल केस बेस्ड। इसका मतलब ये है यू आर अज्यूम टू थिंक लाइक अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, द क्लाइंट हैज केम टू यू विद अ प्रॉब्लम, यू हैव टू अप्लाई द रेलेवेंट नॉलेज and give a solution on that problem. That is known as case-based studies question. And for your information, in costing and in even advanced accounting, they have asked case-based MCQs. It is not so easy until and unless you have a conceptual clarity. So let's read the paper.
द पेपर वॉज कंडक्टेड ऑन 11th May 2024. ओके, ध्यान से देखिएगा. द क्वेश्चन पेपर कंप्राइजेस ऑफ टू पार्ट्स, पार्ट वन एंड पार्ट टू. पार्ट वन कंप्राइजेस MCQs as we discussed, and part two comprises descriptive type answers. Ensure that you receive the question paper relating to both the parts. If you not receive both, bring it to the notice of the invigilator. Answers to MCQ in part one are to be marked on the OMR answer sheets as given on the cover page of descriptive answer book only. इसका मतलब क्या है? जो आपकी descriptive answer book है उसी के कवर पेज पे आपको एमसीक्यूज मार्क करना है. कोई अलग से ओएमआर शीट आपको नहीं दी जाएगी, बट एमसीक्यूज ओएमआर के थ्रू चेक होंगे. पेपर पे टिक मत करना. एक बच्चे का मैसेज आता है May 24 के एग्जाम के बाद, सर मैंने एमसीक्यू सॉल्व किए. कैसे? सर पेपर पे टिक कर दिया, विल आई गेट मार्क्स. अब उसको बोल ढोंडू पेपर कहां है? सर घर पे. तो चेक क्या नाना जी करेंगे वहां जाके? आप बताओ, क्वेश्चन पेपर पे टिक मार्क करने से मार्क्स मिल जाए? बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, कहां से लाते हैं इतना टैलेंट? समझ ही नहीं आया, है ना? कोई बात नहीं, ये ध्यान रखना है. आंसर्स टू क्वेश्चन इन पार्ट टू आर टू बी रिटन इन द सेम डिस्क्रिप्टिव आंसर बुक. आंसर्स टू एमसीक्यू इफ रिटन इनसाइड, ध्यान से सुन लेना, इंस्टीट्यूट आपको अच्छे से जानता है इसीलिए आपको पहले से ही चेतावनी दे रहा है. Answers to MCQ if written inside the descriptive answer book or on part one question paper will not be evaluated. Institute जानता है आपको कि paper पे ही आपने solve कर देना है और फिर बोलोगे लाओ marks दो. इसीलिए institute ने पहले लिख के दे दिया, भैया उसके marks नहीं मिलने वाले हैं. बहुत important है, बहुत अच्छा. OMR answer sheet given on the cover page of descriptive answer sheet will be in English only for all the candidates, including for Hindi medium candidates. एक और महानुभाव का मैसेज आता है मेरे को एग्जाम के बाद, सर मैंने हिंदी मीडियम ऑप्ट किया था पर पेपर इंग्लिश में सॉल्व करके आ गया, मार्क्स मिलेंगे क्या? क्यों बेटा, चीचा बैठे हैं क्या वहां पे? ऐसे कैसे मार्क्स मिल जाएंगे? आप भी जब एग्जाम फॉर्म भरेंगे तो वहां पे आपको सेलेक्ट करना होता है लैंग्वेज ऑफ मीडियम, यू नो लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन पेपर बुकलेट, इंग्लिश और हिंदी, सेलेक्टेड वाइजली. इस चीज का रखना है ध्यान. The barcode sticker provided in the attendance register is to be affixed only on the descriptive answer book. You will be allowed to leave the examination hall only after the conclusion of the exam. If you completed the paper before time, remain in your seat till the conclusion of the exam. भागने की तीव्र इच्छा हो, मन करे, तन करे कि भाग जाएं, तो आत्मा भाग सकती है पर शरीर का वहीं पे रहना जरूरी है और निश्चित भी, आप भाग नहीं सकते. Duration of exam is 3 hours. अच्छा हुआ बता दिया. You will require to submit part one of the question paper containing MCQs and part B in respect of descriptive answer book with OMR cover page to invigilator before leaving the exam hall after conclusion of the exams. The invigilator will give the acknowledgement of page 2 of admit card upon receipt of above mentioned items. तो आपका जो admit card होता है उसके first 2 pages आपको ले जाने पड़ते हैं. सेकेंड नंबर पेज पे आपको एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, है ना, एक्सपीरियंस होगा आपको फाउंडेशन का. कैंडिडेट्स फाउंड कॉपिंग और रिसीविंग, भैया आपसे लिए सुन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, कैंडिडेट फाउंड कॉपिंग और रिसीविंग और गिविंग, आदान प्रदान, एनी हेल्प सहायता और डिफाइंग इंस्ट्रक्शन ऑफ इन्विजिलेटर विल बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम एग्जाम एंड विल ऑल्सो बी लायबल फॉर फर्दर प्यूनिटिव एक्शंस. बहुत बार ऐसा हुआ है कि बच्चों के रिजल्ट विद हेल्ड किए गए हैं. आपकी जानकारी के लिए कुछ बच्चों ने आईसीआई पे केस भी किया था. एक लैंडमार्क केस था, जोधपुर की एक स्टूडेंट थी, उसने आईसीआई पे केस कर दिया था. सीए फाइनल की लड़की थी क्योंकि बिलोंग करती थी वकीलों के खानदान से, तो केस कर दिया था आईसीआई पे क्योंकि आईसीआई ने रिजल्ट विद हेल्ड किया था. आपका रिजल्ट के दिन आप बाकी बच्चों की तरह रिजल्ट का इंतजार करोगे, लेकिन जब अपना रोल नंबर डालोगे तो वहां पर लिखा हुआ आ जाएगा रिजल्ट विद हेल्ड. उस समय जो एंजाइटी होगी वो सोच नहीं सकते आप. तो ये मत सोचना कि एग्जामिनेशन हॉल में अगर चीटिंग करते पकड़े गए तो वहीं बात रफा दफा हो जाएगी. इट्स अ प्रोफेशनल एग्जाम, इतनी आसानी से रफा दफा नहीं होती है. पार्ट टू क्वेश्चन पेपर कंप्राइजेस ऑफ 6 क्वेश्चंस. आंसर क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी एंड 4 of the remaining 5 questions. ये part 2 की बात हो रही है. Part 1 क्या है? MCQs.
पार्ट टू के अंदर टोटल कितने क्वेश्चंस है? 6 क्वेश्चंस। आपको उसमें से कितने कंपलसरी है? क्वेश्चन नंबर 1 और बाकी 5 में से कोई भी 4 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। वर्किंग नोट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ द आंसर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Answers to the questions are to be given only in English, except in case of candidates who have opted for Hindi medium. If candidate has not opted for Hindi medium, his or her answers in Hindi will not be evaluated. This is very, very important. Now, my dear friends, you can check over here part 2. Sir, where is part 1? ICAI customarily MCQ based, koi bhi paper ghar pe kabhi nahi deta. Wapas collect kar leta. ना पहले सीपीटी में देता था, ना फिर बाद में यू नो इंटरमीडिएट के अंदर वो सब्जेक्ट्स में देता था, और अब इंटरमीडिएट के अंदर पार्ट 1 आपको कभी भी घर पे नहीं मिलेगा। तो ये चीज का ध्यान रखना है। पार्ट 2 को हम यहां पर एनालाइज कर रहे हैं, तो पार्ट 2 का एक ब्रॉड हमने आइडिया देखा है कि पार्ट 2 में टोटल कितने क्वेश्चंस होते हैं? 6 क्वेश्चंस, 6 क्वेश्चंस, 6 क्वेश्चंस में से आपको 5 सॉल्व करना है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? कंपलसरी क्वेश्चन है। एक इसका स्टेटमेंट मैं आपसे बनवाऊंगा, अभी सब समझते चलिएगा। यहां पर आप देख सकते हैं, लेट मी मेक अ स्टेटमेंट ओवर हियर पैरेलली फॉर यू। अभी आप सब ध्यान से देखिएगा, फिर बाद में लिखिएगा। क्वेश्चन 1, 2, क्वेश्चन 1 इज कंपलसरी क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 में देखिए कितने सब क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन 1A 5 मार्क्स, अभी आपको चैप्टर वगैरह पता नहीं है, नॉट रियली रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 1B 5 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 1C 4 मार्क्स, तो 5+5+4 मार्क्स। टोटल इज 14 मार्क्स। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए, यहां से पता चलता है कि पेपर कितना लेंदी है ना। 3 क्वेश्चंस हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 1 में इटसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 2 में हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखेंगे एक क्वेश्चन दिया है 8 मार्क्स का, काफी बड़ा क्वेश्चन है। उसके बाद 6 मार्क का दूसरा क्वेश्चन दिया है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 हैज 8+6 कॉन्फिगरेशन। व्हाट इज द टोटल? अगेन 14। इज दिस क्लियर? कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ 7 मार्क। अभी तक पता नहीं, मेरा माइंड मुझे एक सिग्नल दे रहा है, शायद हर क्वेश्चन 14 मार्क का होता होगा। तो अगर क्वेश्चन 3A 7 का है, तो क्वेश्चन 3B भी आइडियली कितने का होगा? 7 मार्क्स का होना चाहिए। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3B आल्सो फॉर हाउ मेनी मार्क्स? 7 मार्क्स। सो क्वेश्चन 3, 7+7, टोटल इज 14 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 4A फॉर 8 मार्क्स, 4B फॉर 6 मार्क्स, 8+6, अगेन इट इज हाउ मच? 14 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 5A 6 मार्क्स, 5B 4 मार्क्स, 6 मार्क्स प्लस 4 मार्क्स। आई थिंक एक क्वेश्चन और होगा, करेक्ट? कितने मार्क्स का होगा? 4 मार्क का। चेक करते हैं, 4 मार्क का और एक क्वेश्चन है क्या? हाँ जी, ये यहां पर थ्योरी क्वेश्चन दिख रहा है आपको 4 मार्क का। देयर इज अ थ्योरी क्वेश्चन ओवर हियर। Again, this total becomes how much? 14. And then comes question number 6. Check all of you. Question number 6, पिछले 20 सालों से format change नहीं हुआ. It's always a theory question or a small question. और यहां पर भी वही आप देख सकते हैं. Distinguish between cost control, cost reduction, 5 marks. Distinguish between waste and scrap. Discuss the treatment of normal and abnormal scrap in cost accounts, 5 marks. Describe unit cost and batch costing, giving 3 examples of industries in which each of the methods are used for 4 marks. There is an OR over here, jiska matlab hai, OR ka matlab hai, there is an internal option. So C ya C ka dusra part hai, describe briefly idle time and explain the treatment of idle time in cost accounts in the following situations. तो अगर मैं टोटल यहां पर कैलकुलेट करता हूं, तो टोटल तो 14 मार्क्स का ही है, लेकिन क्योंकि एक इंटरनल मार्क्स का क्वेश्चन और है, इंटरनल ऑप्शन का, तो 14+4 इट बिकम्स अ क्वेश्चन ऑफ 18 मार्क्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, इट इज 5+5+4+4, दैट मेक्स इट 18 मार्क क्वेश्चन, एंड आई कैन राइट ओवर हियर इट इज अ थ्योरी क्वेश्चन, कंप्लीटली थ्योरी क्वेश्चन।
नाउ यू हैव टू सॉल्व एनी फोर आउट ऑफ फाइव। अब एक बार यहां पर इसकी टोटल लीजिएगा, 14, 14, 14, 14, 14 कितना हुआ? 88 हुआ। 14 इंटू 5 दैट इज 70 प्लस 18, 88 मार्क्स। और इसके बाद में पार्ट वन जो कि एमसीक्यूज है वो कितने मार्क्स के हैं? 30 मार्क्स के। तो आपका टोटल पेपर कितने मार्क्स का हुआ? वन वन एट मार्क्स का। 118 मार्क्स का पेपर है जिसमें से आपको कितने मार्क्स का पेपर सॉल्व करना है? 100 मार्क्स का पेपर सॉल्व करना है। सवाल और उनके जवाब, क्या एमसीक्यूज में नेगेटिव मार्किंग है? नहीं है। क्या एमसीक्यूज नेसेसरीली एक ही मार्क के हैं? नो, एमसीक्यूज 2 मार्क के भी हो सकते हैं। सर एमसीक्यूज कैसे आते हैं? डायरेक्ट आते हैं। आंसर है नो, प्रोबेबिलिटी इज वेरी लेस। एक या दो एमसीक्यूज डायरेक्ट आए थे, बाकी सारे एमसीक्यूज कैलकुलेशन बेस्ड या एप्लीकेशन बेस्ड एमसीक्यूज थे। सर कॉस्टिंग के पेपर में थ्योरी कितने मार्क की है? तो अगर आप यहां आपके स्क्रीन पे देखेंगे, ये 18 मार्क तो पूरे थ्योरी के है, प्लस अगर आपको याद हो तो ये 4 मार्क का क्वेश्चन भी थ्योरी का था, मतलब 18 प्लस 4 22 मार्क्स के थ्योरी क्वेश्चंस हैं। माय डियर फ्रेंड्स, कॉस्टिंग एक ऐसा पेपर है जिसमें इंस्टीट्यूट बहुत थ्योरी पूछता है, बहुत ज्यादा थ्योरी पूछता है। सो आपके पास चॉइस है, अगर आपका कंसेप्ट स्ट्रांग है तो आप क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट करेंगे, और जिसकी थ्योरी कमजोर है, कंसेप्ट कमजोर है, वो पता है क्या करेगा? क्वेश्चन नंबर 6 को ऑप्शन में छोड़ देगा। ये टोटली डिपेंड करता है। फटाक से आइए अपने रजिस्टर्स में और लिख लीजिए इस पेपर पैटर्न को। नॉर्मली पेपर फॉर्मेट्स चेंज नहीं होते हैं, ये समझिएगा। इंस्टीट्यूट डोंट प्ले दोज डर्टी गेम्स कि आपको बस पेपर फॉर्मेट में उलझा देंगे, बट डेफिनेटली कंसेप्ट के बेसिस पर आपको चेक किया जाएगा, मैनिपुलेट किया जाएगा, घुमाया जाएगा। अभी आपको देखना है कि आप कितना अच्छे से प्रिपेयर होके जाते हैं एग्जाम में। ये सारा एनालिसिस अगर डे वन पे किया हुआ रहा ना, तो एक्शन प्लान बहुत क्लियर रहता है यार, कि हम जो एग्जाम की पेपर की तैयारी करने जा रहे हैं वो पेपर एग्जैक्टली है क्या, कैसे है, किस तरीके से उसकी तैयारी करनी। डन ऑल ऑफ यू। अब यहां से यार एक समरी हम बना सकते हैं। क्या समरी बन सकती है? स्क्रीन पे देखिएगा और फिर जरूरत पड़े तो लिखिएगा। द टोटल पेपर इज ऑफ हाउ मेनी मार्क्स? 118 मार्क्स। डू यू एग्री? आउट ऑफ 118 मार्क्स पेपर,
हाउ मेनी मार्क्स ऑफ एमसीक्यूज एंड हाउ मेनी मार्क्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव पेपर. सो एमसीक्यूज आर ऑफ 30 मार्क्स, डिस्क्रिप्टिव पेपर इज ऑफ 88 मार्क्स. अब ये जो 88 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर है इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं. कैसे? थ्योरी अप्रोक्सीमेटली 22 मार्क्स. यार ये बहुत बड़ा परसेंटेज है, 88 मार्क्स में से अगर 22 मार्क्स की थ्योरी आ रही है तो क्या मैं यहां एनालाइज करके लिख सकता हूं 25%? टेल मी गाइस, योर 25% ऑफ द डिस्क्रिप्टिव पेपर इज अ थ्योरी पेपर, इवन दो कॉस्टिंग इज अ प्रैक्टिकल पेपर. दैट मींस व्हाट? यू नीड टू बी वेरी केयरफुल ऑन द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट. इसलिए आपकी बुक्स बनाते समय आप आज अगर अपनी बुक्स ओपन करके देखेंगे दोस्तों, मैंने एडिक्वेट एंड रिक्विजिट अमाउंट ऑफ थ्योरी दी है, स्पेशली एग्जामिनेशंस को ध्यान में रखकर. एग्जामिनेशंस में क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है, किन किन पॉइंट्स पे इंस्टीट्यूट फोकस कर सकता है. ट्रस्ट मी, जो अभी क्वेश्चन नंबर 6 के मैंने क्वेश्चंस पढ़े, इन सभी के आंसर्स आपकी बुक में अवेलेबल है. तो आपको यहां पर एक सिंपल सी चीज ध्यान में रखना है कि ट्रिपल ए बुक का एक भी शब्द मिस नहीं करना है. एवरी सिंगल वर्ड इज इंपॉर्टेंट. यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर थ्योरी क्वेश्चन. आपकी जो क्लास टेस्ट होगी उसमें भी थ्योरी क्वेश्चन आएंगे, आपको बस इस चीज के लिए प्रिपेयर रहना. एक और एनालिसिस करते हैं यहां पर. लेट अस काउंट टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस. पार्ट बी में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, चलिए काउंट करते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 16. जरा अपनी बुक का इंडेक्स ओपन करिए और चेक कीजिए व्हाट आर टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स. इज इट 15? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस में एमसीक्यू में गया ही नहीं हूं दोस्त, मैं सिर्फ पार्ट बी में हूं. पार्ट बी में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं? 16. और चैप्टर्स कितने हैं? इसका मतलब क्या हुआ चेष्टा? एक क्वेश्चन हर एक चैप्टर पे कम से कम आएगा. समझ में आ रहा है? वन क्वेश्चन ऑन एवरी टॉपिक, एवरी सिंगल चैप्टर. तो अगर किसी के दिमाग में कोई भी खुराफत चल रही हो कि सर कुछ छोड़ सकते हैं क्या एक दो चैप्टर, तो भैया जी एक दो चैप्टर छोड़ नहीं सकते हो. जो भी चैप्टर छोड़ोगे उस चैप्टर का कोई ना कोई क्वेश्चन तो गया, चाहे 4 मार्क्स का हो, 6 का हो, 8 का हो, वो नहीं पता, पर उतना तो चला गया, उतने मार्क्स आप लूज कर जाओ तो फिर आपका पेपर 118 का नहीं रहेगा. 118 माइनस दोज मेनी मार्क्स माइनस एमसीक्यूज ऑन दोज टॉपिक. प्लीज अंडरस्टैंड, यू हैव 30 एमसीक्यूज एंड 15 टॉपिक. दिस मींस ऑन एन एवरेज कैन आई से यू कैन एक्सपेक्ट 2 एमसीक्यूज ऑन ईच टॉपिक. So, really speaking, every question, every chapter has a weightage and you need to be very, very careful about it. Third analysis. Likh lijiyega, ye aapke paas. Okay, it's fine now. Yes, write it down. This means hybrid question means one question on multiple topics. आपको याद है हमने advanced accounting में भी ऐसे questions देखे थे? Do you remember that question on buyback of share, जहां पर एक ही question में institute ने bonus, redemption of preferences, redemption of debentures और ESOPs, इन सब के transactions एक साथ डाल के पूछे थे. Amalgamation and reconstruction को भी एक साथ पूछा गया था. It may happen कि institute multiple topics को combine कर एक ही question बना दे और आपको एक single question यहां पर पूछा जाए. Clear हुआ सभी को? Formats clear है? Action plan clear है? कोई भी topic हमें छोड़ना
नहीं है। हर टॉपिक को कंसेप्चुअली पढ़ना है, क्योंकि किसी भी टॉपिक पे थ्योरी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, सो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। नाउ योर क्वेश्चंस माय आंसर। यहां तक किसी को भी कोई भी सवाल है तो आप पूछें, फिर हम आगे बढ़ेंगे और शुरू करेंगे। एनी क्वेश्चन, एनी वन। डोंट हेजिटेट टू आस्क क्वेश्चन, वट एवर क्वेश्चन यू मे हैव इन योर माइंड। नो क्वेश्चन, बताइए। सिर्फ होमवर्क करना जरूरी है या सेल्फ स्टडी करना जरूरी है? कॉस्टिंग के अंदर अप्रोच बहुत सिंपल होना चाहिए। क्लास में जो क्वेश्चंस क्लास वर्क हुए हैं, घर पर जाकर वो सारे क्वेश्चंस वापस सॉल्व कर लेना। जैसे मैंने कहा ट्रिपल ए बुक तीन बार होनी चाहिए, एक बार क्लास में हो जाएगी, दूसरी बार सेम डे घर पे जाके आप कर लोगे, और तीसरी बार टेस्ट से पहले आप करोगे। तो ये तीन बार आपकी बुक सॉल्व हो जाएगी। जब ये तीन बार बुक सॉल्व होगी, फिर आपको एडिशनल क्वेश्चंस करने हैं जो मैं आपको पीडीएफ देने वाला हूं। हाँ, पर सब्जेक्ट में कितना टाइम देना है, यहां पर रेशियो सेम है। आपको डेली मान के चलिए क्लास के बाद डेढ़ घंटा कॉस्टिंग को देना ही देना है। किसी दिन अगर क्लास में कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि उस दिन कुछ पढ़ना ही नहीं है। आपको थ्योरी पढ़ना है, थ्योरी बहुत जरूरी है। आपका आईसीआई का जो स्टडी मटेरियल है वो 85% 90% कवर किया गया है। स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है। सपोज करिए हम एक टॉपिक या क्लास में खत्म करते हैं, वो टॉपिक खत्म करने के बाद आपको घर पे जाकर उस दिन उसका मॉड्यूल ओपन करना है। मॉड्यूल ओपन करके मॉड्यूल के इलस्ट्रेशंस और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखना है, और ये चेक करना है कि वो हमारी बुक में हो चुका है क्या। अगर वो हमारी बुक में हो चुका है तो उसको छोड़ो, शायद ही आपको एक या दो क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जो नहीं हुआ है। जो नहीं हुआ है ना, उसको सॉल्व करो बैठ के, तो आपका मॉड्यूल भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आपकी पहली प्रायोरिटी है ट्रिपल ए क्लास बुक, दूसरी प्रायोरिटी है आईसीएआई का स्टडी मटेरियल, और फिर आती है आपकी बाकी की प्रायोरिटी जो कि है पीवाईक्यू आरटीपी एंड देन कम्स एमटीपी। दैट शुड बी द ऑर्डर, दैट शुड बी द सीक्वेंस। आई रिपीट द सीक्वेंस, ट्रिपल ए बुक फॉलोड बाय आईसीएआई स्टडी मटेरियल। कोई भी नालायक लिख नहीं रहा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंस बता रहा हूं। ट्रिपल ए बुक फॉलोड बाय आईसीआई स्टडी मटेरियल, देन फॉलोड बाय पीवाईक्यूज, फॉलोड बाय आरटीपीज। यहां तक अगर आपने कर लिया ना, और फिर जब आप एमटीपी में जाओगे, आपको पता चलेगा 95% एमटीपी हो चुकी है। जो भी क्वेश्चन एमटीपी का ओपन करोगे, आपको लगेगा अरे ये सब तो मेरे को आता है, आई नो दिस। हाँ सर, लिखवा दो ना सर, ये भी चीज काहे पेंडिंग रखते हो। छापिए छापिए छापिए, एज ऑलवेज। ये देखो पूछ रही है क्या लिखना है। अच्छा बहुत बढ़िया, हाँ तो चीटिंग छोड़ के कोई भी तरीका चलेगा। हाँ सही बात। और कोई सवाल? टर्की जोकरो, नो क्वेश्चन। वेर इज दैट दिव्यता? अच्छा, और कोई सवाल किसी का? नो क्वेश्चन, क्लियर। सो सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक क्लासेस, टाइम टेबल मैं रिपीट कर देता हूं, 5:30 से जैसे मैंने कहा था 7 बजे तक या 6:30 बजे तक, जो भी आप करना चाहो, एक स्टैंडर्ड टाइम टेबल, इट्स अ नो स्टडी टाइम। जो यहां बैठकर पढ़ना चाहते हैं उसके लिए स्टडी टाइम है, ठीक है। 7 बजे के बाद 2 से 3 घंटे आपको लगेंगे डेली ग्रुप 2 के लिए, 2 से 3 घंटे डेली लगेंगे। नॉर्मली एफएम और एसएम पैरेलली नहीं चलेगा, मतलब जैसे आपके ग्रुप 1 में डीटी और जीएसटी पैरेलली चलता था, एफएम एसएम पैरेलली नहीं चलेगा। यहां पर सिंपल चीज होगी, कॉस्टिंग होगा
ऑडिटिंग होगा और या तो एफएम होगा या फिर एसएम होगा। एफएम एसएम के टीचर से कहा गया है कि जब तक ऑडिटिंग चल रहा है तब तक कोशिश करें कि एसएम ना चालू करें। रीजन बहुत सिंपल है, इट विल एड वन मोर थ्योरी सब्जेक्ट टू योर बास्केट। समझ में आ रहा है? तो नॉर्मली एफएम चलेगा, आपके तीन सब्जेक्ट्स हैं, तीन सब्जेक्ट को अप्रोक्सीमेटली तीन घंटा आप मान के चलिए। सर एक क्वेश्चन मेरा भी है, जैसे आपने एक बार बताया कि कोई बुक सॉल्व करी थी आपने, हमें ऐसी कोई बुक परचेज करनी है? नहीं पलक, उसकी जरूरत नहीं है, मेरी बुक इज मोर देन इनफ, आई हैव मेड अ कंपाइलेशन। ये तीन घंटे का डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये मोटा मोटी थोड़ा सा फ्लक्चुएट होगा, बट मैं आपको बताता हूं बाय एंड लार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये होगा कि भाई सबसे ज्यादा टाइम जाएगा कॉस्टिंग में, अप्रोक्सीमेटली मान के चलिए डेढ़ घंटा। उसके बाद में आप समझ लीजिए अप्रोक्सीमेटली 45 मिनट जाएगा ऑडिटिंग में और 45 मिनट जाएगा एफएम के अंदर। अब मैं ये एक लेक्चर के हिसाब से बोल रहा हूं, अब आपके दिन में दो लेक्चर्स होंगे तो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट आपको करना पड़ेगा। तो देखो बात बहुत सिंपल है, जब तक ऑडिटिंग चल रहा है तब तक हो सकता है ग्रुप वन की तैयारी के लिए ज्यादा टाइम ना मिले रिविजन के लिए, लेकिन जब ऑडिटिंग खत्म हो जाएगा यू हैव एम्पल ऑफ टाइम फॉर ग्रुप वन प्रिपरेशन। कॉस्टिंग एक से डेढ़ घंटा, मतलब हर रोज स्टैटिक डेढ़ घंटा नहीं है, एक से डेढ़ घंटा। वो कब बढ़ेगा? जब आपके दो तीन चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे ना, तब आपको ज्यादा जरूरत महसूस होगी, तब तक जरूरत नहीं होगी। और कोई सवाल पूछिए हसमुख भैया, नो क्वेश्चन। हाँ, सो कितने घंटे सकते हैं? यू हैव एम्पल ऑफ टाइम टू स्लीप वंस यू डाई, सो यू ट्राई टू डाई देन यू हैव एम्पल ऑफ टाइम टू स्लीप, राइट? बेटा हम सो के कमाने वालों में से नहीं है, समझ रहे हो? चलिए बढ़े आगे, करते हैं शुरुआत कुछ बेसिक से आज। नाउ इंडिया के अंदर तीन प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, एक जिसका नाम है सी ए, दूसरे का सी एस और तीसरे का सी एम ए। तीन प्रोफेशनल कोर्सेज, क्या आप में से कोई सीएमए कर रहा है? जस्ट वॉन्ट टू नो, आप कर रहे हो? रजिस्ट्रेशन हो गया है? ओके, कौन से लेवल के लिए? क्या फाउंडेशन, सीएस फाउंडेशन, कब सीएमए फाउंडेशन, कब है एग्जाम? हाँ क्लियर कर लिया फाउंडेशन एग्जाम, क्या बात है, वाह जबरदस्त। तो सीएमए फाउंडेशन एग्जाम का इधर आओ ना, इधर आगे सबको बताओ सिलेबस वगैरह क्या था। कम कम शर्मा कह रहे हो, अच्छा सिलेबस क्या क्या था, सब्जेक्ट्स कौन कौन से थे, थोड़ा आगे आके मुझे तो सुनाई दे, आगे आके बोलिए ना। अच्छा आपके लिए सवाल है यहां पे सक्षम नाम के स्टूडेंट का, आप बीकॉम भी कर रहे हैं क्या? बीकॉम किया है, एग्जाम दिया है? नहीं दिया, मतलब कर रहे हो पर एग्जाम नहीं दिया, मतलब ड्रॉप कर दिया। अच्छा दिल से ड्रॉप कर दिया या लीगली ड्रॉप कर दिया? दिल से। और लीगली कब ड्रॉप करोगे, तलाक कब दे रहे हो? फर्स्ट ईयर हुआ है या फर्स्ट ईयर के पहले ही ड्रॉप कर दिया? अच्छा आप सब लोगों को मैं एक रेगुलेशन बता देता हूं इंपॉर्टेंट, बिफोर यू टेक एनी काइंड ऑफ डिसीजन मैंने बीकॉम क्यों छोड़ा, बहुत सिंपल रीजन बताता हूं। ये बात है 27 मार्च 2009 की, ध्यान से सुनिएगा, 27 मार्च 2009, आई एम वेरी गुड इन रिमेंबरिंग द डेट्स, तो मुझे अभी भी वो दिन याद है। 27 मार्च 2009 के बाद आईसीआई का एक रूल चेंज हुआ है जो उसके पहले कुछ और था, ध्यान से सुनिएगा। बिफोर 27 मार्च 2009 द रूल वॉज अ सीए स्टूडेंट can pursue any one course along with BCom. इसका मतलब है एक CA student parallelly तीन courses कर सकता था, एक है CA, दूसरा है graduation और तीसरा है कोई भी और एक कोर्स। 27 मार्च 2009 को institute ने अपने regulations में amendment किया और institute ने अपना rule बदल के ये कर दिया कि अब कोई भी CA student CA के साथ
सिर्फ कोई एक कोर्स कर सकता है इंक्लूडिंग बीकॉम। माय डियर फ्रेंड्स, बिफोर 2009 आई वाज डूइंग सीए सीएस एंड बीकॉम। आई वाज द वाइस चेयरमैन ऑफ पुणे ब्रांच ऑफ वेस्टर्न इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट एसोसिएशन ऑफ आईसीएआई दैट टाइम। क्योंकि मैं वाइस चेयरमैन था, पुणे में इलेक्शंस जीता था, बच्चों के लिए इवेंट्स कंडक्ट करता था, आईसीआई से क्लोजली एसोसिएटेड था मैं, तो आई वॉज हैविंग डायरेक्ट कनेक्ट एंड अप्रोच टू द प्रेसिडेंट ऑफ आईसीआई, बोर्ड ऑफ स्टडीज एंड एवरीवन। और उन सबको पता था कि मैं सीए सीएस और बीकॉम तीन चीजें कर रहा हूं। जब ये सर्कुलर आया तो मुझे अभी भी याद है, सर्कुलर आने से ऑफिशियली वेबसाइट पे होस्ट होने से कुछ देर पहले मेरे पास एक बहुत ही सीनियर आईसीआई के काउंसिल मेंबर का पर्सनली कॉल आया कि अंशुल, समथिंग इज कमिंग विच यू मे नॉट लाइक एंड यू विल हैव टू सैक्रीफाइस वन ऑफ योर कोर्स। बिकॉज वो पर्सनली मुझे जानते थे और उनको पता था कि मैं सीए के साथ दो कोर्सेज और कर रहा हूं, और मेरी तरह हजारों बच्चे कर रहे थे, लेकिन क्योंकि मुझे जानते थे तो मुझे कॉल आया और मुझसे पूछा, व्हाट वुड यू डू नाउ, टेल मी गाइस व्हाट वुड यू हैव डन, क्या छोड़ते थे आप। ऑब्वियसली बीकॉम छोड़ना था, छोड़ दिया। मेरी बीकॉम की एग्जाम थी दोस्तों 10 अप्रैल 2009 को, बीकॉम सेकेंड ईयर की एग्जाम। मैं फर्स्ट ईयर पास हो चुका था क्योंकि मैं 12th स्टैंडर्ड में मेरिट रैंक था महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से, तो मेरी बीकॉम की जो फीस थी वो महाराष्ट्र सरकार पे कर रही थी। फर्स्ट ईयर क्लियर कर चुका था, सेकेंड ईयर का एडमिशन हो चुका था, एग्जाम फॉर्म भर चुका था, 10 अप्रैल से एग्जाम चालू होने वाली थी। दो रीजन थे बीकॉम छोड़ने के, एक ये सर्क्यूलर और दूसरा मैंने एक बैच ज्वाइन किया था सीए इंटरमीडिएट का, सीए इंटरमीडिएट या फाइनल का एक बैच ज्वाइन किया था और उसकी डेट्स बीकॉम के एग्जाम के डेट्स के साथ क्लैश हो रही थी। ऑब्वियसली मैं वो बैच नहीं मिस कर सकता था। यू वोंट बिलीव, उस समय मैंने सीए इंटरमीडिएट का लॉ का बैच परचेज किया था फॉर 10,000 रुपीज। आज आपकी लॉ की फीस उससे काफी कम है। एक्चुअली बैच की फीस थी 6,000, पर उसकी रिसीट्स ब्लैक में बिकती थी क्योंकि वो टीचर एक क्लास में 700 बच्चों की क्लास लेते थे। द क्लास यूज टू हैपन इन अ मूवी थिएटर, यहाँ पे बैल्कनी वगैरह होती थी और बच्चे सिर्फ बैठे होते थे, बच्चों के एंड पे अंधेरा होता था, टीचर बीच में एक जगह बैठे बैठे पढ़ाते, नो पीपीटी नो बोर्ड नथिंग, 17 दिन की क्लास, 3.5 घंटा सुबह 3.5 घंटा शाम को, 17 दिन में लॉ का सिलेबस खत्म। जैसे ही बैच अनाउंस होती थी ना, उस बैच की एडमिशंस, लिमिटेड नंबर ऑफ एडमिशंस होते थे, फटाक से फुल होते थे क्योंकि वहां पर कुछ लोग ब्लैक मार्केटिंग करते थे। तो 6,000 रुपए की रिसीट खरीदी थी 10,000 में और फिर वो टीचर की अगली बैच अवेलेबल नहीं थी बिफोर माय अटेम्प्ट। सो दीज वर द टू रीजंस व्हाई आई लेफ्ट बीकॉम। मैं यहां पर बात कर रहा हूं रेगुलेशन ऑफ फॉर्म नंबर 112। सभी जने ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आपको भी अटका सकता है। रेगुलेशन ऑफ फॉर्म नंबर 112 इज नॉट एप्लीकेबल टू यू गाइज राइट नाउ, लिसन टू मी केयरफुली। रेगुलेशन ऑफ फॉर्म नंबर 112 अप्लाइज वंस यू स्टार्ट योर आर्टिकल्स ट्रेनिंग। जिस दिन आप अपनी आर्टिकलशिप चालू करेंगे, आप दो फॉर्म्स भरेंगे, फॉर्म नंबर 102 एंड फॉर्म नंबर 103, दैट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ आर्टिकलशिप। ये सारे फॉर्म्स आईसीआई के फॉर्म नंबर्स होते हैं। उसके साथ साथ एक और फॉर्म भरना होता है, फॉर्म नंबर 112 112। ये फॉर्म क्या है समझना, द टाइटल ऑफ फॉर्म नंबर 112 इज सीकिंग परमिशन फ्रॉम योर प्रिंसिपल टू परस्यू एनी अदर कोर्स अलॉन्ग विद सीए। तो आप जिस प्रिंसिपल, जिस सीए के आर्टिकलशिप कर रहे हैं, उनसे आप ऑफिशियली राइटिंग में परमिशन लेते हैं कि मैं सीए के साथ ये एक और कोर्स कर रहा हूं जिसकी वजह से मेरी आर्टिकलशिप थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है, क्योंकि बेशक आपको एग्जाम्स की छुट्टी तो लगेगी भाई, कॉलेज अटेंड करो नहीं करो अलग बात है, बट एग्जाम्स की तो छुट्टी लगेगी। तो यू आर सीकिंग परमिशन ऑन द डे वन, फॉर्म नंबर 112 का रिक्वायरमेंट है। और जब आप फॉर्म नंबर 112 भरते हैं तो उसके कुछ प्रोविजंस ध्यान से सुनिएगा। उसका प्रोविजन है कि आप सीए के साथ सिर्फ एक ही कोर्स कर सकते हैं। बट सर, व्हाट इफ आई डोंट डिस्क्लोज इट, क्या फर्क पड़ता है? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। सर सपोज अभी सन्मुख कहता है कि मैं डिस्क्लोज नहीं करता, मैं बीकॉम डिस्क्लोज करता हूं, मैं सीए में डिस्क्लोज नहीं करता, तो फर्क क्या पड़ेगा? फर्क यह पड़ेगा कि जिस दिन आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे और आप इंस्टीट्यूट को अपने सारी क्वालिफिकेशंस डिस्क्लोज करेंगे, उस दिन बेशक आप चाहेंगे कि अपनी सारी क्वालिफिकेशंस बताएं, क्योंकि वही डेटा आईसीआई यूज करेगा कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम के लिए। क्या उस दिन आप नहीं बताएंगे कि आप सीएमए भी हैं? और उस दिन का डेटा 112 के साथ अगर मिसमैच हुआ तो आप पकड़े जाओगे और फिर इंस्टीट्यूट आपके ऊपर एक्शन ले सकता है, और लिया भी है आईसीआई ने ऑप्शन एक्शन।
इसका मतलब है डिस्क्लोजर तो करना पड़ेगा, तो आपको सीए के साथ कोई एक कोर्स करना है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, अभी इस पॉइंट पे ये आप पे एप्लीकेबल नहीं है। ये अप्लाई कब होता है? जब आपकी आर्टिकलशिप चालू होगी, स्टार्ट होगी। जो बच्चे जनवरी 25 में एग्जाम देंगे उनके रिजल्ट आएगा मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट वीक ऑफ मार्च 25, और आर्टिकलशिप मान के चलिए 15 मार्च 2025 से। आपको सिर्फ ये देखना है कि 15 मार्च 2025 को आप कितने कोर्सेस कर रहे हैं। अगर उस दिन आप सीए के साथ साथ एक से ज्यादा कोर्स कर रहे हैं, इट इज अ क्लियर कट वायलेशन ऑफ 112। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सेकंड नंबर रूल, इफ यू आर डूइंग ग्रेजुएशन इंटरनली फ्रॉम एनी कॉलेज, द रेगुलेशन ऑफ 112 सेज दैट योर कॉलेज एंड योर ऑफिस शुड बी लोकेटेड विद इन अ रेडियस ऑफ 50 किलोमीटर्स। इसका मतलब क्या है? अगर कोई बच्चा इंदौर में है, ध्यान से सुनना, आर्टिकलशिप इंदौर से कर रहा है लेकिन उसका कॉलेज दिल्ली में है, तो इट्स अ क्लियर कट वायलेशन ऑफ रेगुलेशन 112, नहीं चलेगा। सर ओके, आई थिंक इट्स बैक। सो द इंटेंशन इज वेरी क्लियर। If a student is pursuing articleship and doing BCom from a regular college, so practically it may not be possible for a student to do both the things if the distance is more than 50 kilometers. Suppose you take an example of city like Delhi or Mumbai, where there are local trains, metro trains. So certainly by local or metro, you can travel maximum up to how many kilometers? 50 kilometers. You cannot travel beyond that. Hence this limit of 50 kilometers. So ये कुछ provisions आपको ध्यान रखना है articleship select करने से पहले, ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। Regulation of form number 112, clear हो गया? कोई सवाल किसी का? तीन professions है हमारे इंडिया में, CA, CS, CMA. CA profession is governed by which body? The Institute of Chartered Accountants of India, ICAI. CS profession is governed by the Institute of Company Secretaries of India, and CMA by the Institute of Cost and Management Accountants of India. आपकी जानकारी के लिए ये तीनों professional courses और इन तीनों के जो law है वो आते हैं under Ministry of Corporate Affairs. तो आपने अगर MCA की website देखी होगी और MCA की website पे आप acts and laws में जाते हैं तो वहां पर आपको कंपनी एक्ट के अलावा ये तीनों लॉज भी मिलेंगे, बिकॉज इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इन तीनों को लेकर बड़ा कंफ्यूजन होता है कि इन तीनों में से ज्यादा सुपर पावर कौन है, यू नो सुप्रीम कौन है, किसकी अथॉरिटी ज्यादा है, किसका प्रोफेशनल स्कोप ज्यादा है। नो गट्स फीलिंग, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग ये जिस ऑर्डर में लिखे हैं उसी ऑर्डर में इनकी वैल्यूएशन है। मैं फिर से कह रहा हूं, नो ऑफेंस एंड नो डिसरिस्पेक्ट, बिकॉज मैं सभी का रिस्पेक्ट करता हूं। इन तीनों का जो प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज है वो इसी ऑर्डर में है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सबसे ज्यादा, फॉलोड बाय कंपनी सेक्रेटरी, फॉलोड बाय कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। अब इसको समझते हैं क्यों, क्या क्यों इन सारी चीजों को समझते हैं क्योंकि हमारा बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग यहीं से आएगा। Why are chartered accountants so empowered as compared to company secretary and cost and management accountants? Please again, I'm saying there is no offense to anyone watching online. मैं किसी का disrespect नहीं कर रहा हूँ, दिल से सम्मान करता हूँ तीनों professions का, but जो fact है so है, chartered accountant को ज़्यादा professional opportunities इसीलिए मिलती है। Number one reason, ICAI is the most vibrant out of all the three governing bodies. Institute of Chartered Accountants of India, ये जो संस्था है, ये संस्था बहुत ज्यादा वाइब्रेंट है। इसके इलेक्शंस होते हैं, इसके अलग अलग कमिटीज बनी हुई है, एक्सपर्ट्स लोग इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, सभी लोग मतलब इस तरीके से इन्वॉल्व है कि कॉन्स्टेंटली वो अपने प्रोफेशन को डेवलप करने के लिए काम करते हैं, एज कंपेयर टू कंपनी सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट एंड CMA इंस्टीट्यूट। आज भी CMA इंस्टीट्यूट की गवर्निंग बॉडी इतनी ज्यादा वाइब्रेंट नहीं है। नंबर टू रीजन, स्टैट्यूटरी राइट्स अंडर द वेरियस लॉज आर टू मच फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप सबने सेक्शन पढ़ा है क्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर का,
कंपनी ऑडिट में, करेक्ट, कंपनी लॉ में. हु कैन बी अ कंपनी ऑडिटर? अ पर्सन हुज नेम इज एंटर्ड एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स मेंटेन्ड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया. आप सबने टैक्स ऑडिट के बारे में पढ़ा है. देखो टैक्स ऑडिट में कहीं ये नहीं कहा है कि सिर्फ सीए कर सकता है, करने को तो कोई भी कर सकता है, बट सिर्फ सीए क्यों करता है, प्लीज अंडरस्टैंड, बिकॉज उसके पास सारे सब्जेक्ट्स का नॉलेज होता है, हर चीज का नॉलेज होता है. सो स्टैट्यूटरी राइट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को है, बैंक्स में, आरबीआई में, सेबी में, हर जगह ऐसी कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के सिग्नेचर की जरूरत है. रिलेटिवली प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज आर लेस बट देयर फॉर कंपनी सेक्रेटरी. ऐसे बहुत सारे स्टैट्यूटरी वर्क्स है जो सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी कर सकता है, इवन सीए कैन नॉट डू. लाइक हु कैन बी अपॉइंटेड एज अ कंपनी सेक्रेटरी हुज नेम इज रजिस्टर्ड इन द मेंबर्स ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया. कैन अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बी अपॉइंटेड एज अ कंपनी सेक्रेटरी? आंसर इज नो. यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो एक पर्सन जो भले ही क्वालिफिकेशन से सीए सीएस दोनों मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एज वेल एज अ कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेस नहीं कर सकता हूं. मैंने, मेरे पास दोनों की मेंबरशिप है. आई एम अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ऑल्सो एंड मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ऑल्सो. माई मेंबरशिप नंबर फॉर सीए इंस्टीट्यूट इज 140859. NCS Institute is Licentiate Membership Number 6379. But मैं signing authority के तौर पे as a chartered accountant और company secretary काम नहीं कर सकता हूं. They are mutually exclusive. Certificate of membership is different and certificate of practice is different. I may hold certificate of membership of both the institutes. But I cannot hold certificate of practice for both the institutes. ये चीज दिमाग में रखना. Chartered accountant क्या क्या काम करता है हमें पता है, accounting, auditing, consultancy, teaching मैं नहीं ला रहा हूं क्योंकि teaching तो तीनों जने कर सकते हैं. Company secretary क्या काम करता है? Secretarial compliances, legal compliances, company incorporations, company के dissolution, liquidation, इन सब के काम company secretary करता है. आपने बहुत सारे ऑफिसेस देखे होंगे कंपनी सेक्रेटरी के, जैसे सीए के ऑफिसेस होते हैं वैसे सीएस के भी ऑफिसेस होते हैं. लेकिन अब मेरा सवाल है आपसे यहां पर इस तीसरे बंधु के बारे में और वो है सीएमए. फुल फॉर्म मत बताइएगा, मुझे पता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट. सवाल मेरा ये, आपको क्या लगता है व्हाट डज अ सीएमए डू? कॉस्ट ऑडिट, एक आंसर पिकअप किया, थिंक अबाउट इट. सी फॉर कॉस्टिंग, सी फॉर कॉमन सेंस, बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग मैं शुरू कर रहा हूं. कॉस्ट ऑडिट इज वन आंसर, व्हाट एल्स? हाँ जी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कॉस्ट कम करने में मदद करता है. ठीक है, एक एक शब्दों को सभी जनों को सुनना है. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यहां पर शब्द का है और कॉस्ट कम करना यह शब्द का है. थिंक अबाउट इट. सीएमए, हाँ जी, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड बजेटिंग. ओके, यहां पर आंसर आ रहे हैं. कॉस्ट एनालिसिस, आराधना दीक्षित का, निधि गांधी का आंसर है. कॉस्ट मैनेजमेंट आंसर है. कॉस्ट एंड प्रॉफिट मार्जिन कॉस्ट रिडक्शन, भवनीत कौर का आंसर है. कॉस्ट इंटरप्रिटेशन आंसर है. मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर कंपनीज, ओके, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी यहां पर आंसर दिया है. और थिंक अबाउट इट, आई वांट डिफरेंट आंसर. कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ओके, हाँ, ओके, दे असर्टेन द कॉस्ट, रिड्यूस द कॉस्ट एंड कंट्रोल द कॉस्ट. मेरा लेक्चर देख के आओ पहले का कभी कहीं, बहुत बढ़िया. चलिए एक शब्द मैं सर के आंसर से बोरो करता हूं, प्रोडक्शन. एक बात बताओ, कॉस्ट अकाउंटेंट की जरूरत सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज को पड़ती होगी क्या? थिंक अबाउट इट. देखो चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत किसी को भी पड़ सकती है, ट्रेडर, सर्विस प्रोवाइडर, मैन्युफैक्चरर. कंपनी सेक्रेटरी की जरूरत भी किसी को पड़ सकती है. कंपनी सेक्रेटरी को नेचर ऑफ बिजनेस से कुछ लेना देना नहीं, उसको क्या, लीगल स्टेटस से लेना देना है. कंपनी सेक्रेटरी की जरूरत पार्टनरशिप फर्म को पड़ेगी, नहीं पड़ेगी. ट्रस्ट को पड़ेगी, नहीं पड़ेगी. कंपनी को पड़ेगी, हाँ, चाहे वो सेक्शन 8 नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी हो या फिर वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो, वो ट्रेडिंग कंपनी हो, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, सर्विस प्रोवाइडर कंपनी हो. एकाग्रता इज अ सर्विस प्रोवाइडर कंपनी, डोंट वी नीड कंपनी सेक्रेटरी? द आंसर इज यस. My question is,
How about a cost and management accountant? The cost and management accountants are often required by only and only manufacturing industries. That doesn't mean the other people cannot have cost and management accountants. The other people can have voluntarily if they need. Mandatorily, statutorily, it is only and only for whom? Manufacturing entities. Manufacturing or manufacturer. Kise kaha jata hai? Who are producer? Who are manufacturer? Give me answers. Think, come on. Okay, very good. Or Virat, raw material ko finished goods mein convert karta hai. Or sochiye, answer chahiye. Each and every student sitting in this class, if you think, aap mere saath aaj ki class ke baad line mein aage badhenge. Manufacturing production kise kehte hain? Sochiye, answer. Come on. Convert raw material to finished goods. Who uses raw material? Very good. Produces goods. Manufacturer produce goods. Okay. Or answer quickly. Manufacturing. Production. Nirman. Kuch naya banana. Kuch aisa banana jo exist nahi karta hai. Using multiple raw material. Doing some processing. Multiple raw material. Doing some processing. Either mechanical or manual. Hai na? Doing some processing and coming out with a new product. Ek aisa product jiska ek alag naam ho, jiski ek alag pehchan ho, jiski ek alag identity ho, jiska ek alag price ho, jiska ek alag mode of consumption ho, usko kehte hain finished goods. Aur ye pure operation ko kya kehte hain? Manufacturing. Jab koi banayega, tabhi to koi aur usse bechega. ये कैलकुलेटर जो बना है आपने स्टेशनरी की दुकान से खरीदा है, ये स्टेशनरी वाला कौन है? ट्रेडर है या मैन्युफैक्चरर? लेकिन ये कैलकुलेटर बनाया तो होगा किसी ने, या ऐसा पेड़ पे लटका होगा, ऐसा तोड़ के लाए होंगे, मस्त पे की कैलकुलेटर तोड़ के लाए, ऐसा था बनाया होगा. जिसने बनाया होगा वो कौन कहलाएगा? मैन्युफैक्चरर. अब मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या किया होगा उसने? इसके पहले बटन बनाए होंगे, अंदर का मदरबोर्ड बनाया होगा, उस पर बहुत सारे आईसीज लगते हैं, छोटे छोटे इंटीग्रेटेड सर्किट्स लगते हैं, है ना? ऐसा सड़क जैसा कुछ तो मदरबोर्ड दिखता है, ऐसे सिटी बनी होती है पूरी हरे हरे कलर की, है ना? उसका स्क्रीन बनाया होगा, पावर सिस्टम बनाया होगा, हो सकता है बैटरी उसकी खुद की ना हो, बैटरी किसी और से खरीदी होगी. गिव मी आंसर, ट्रू और फॉल्स? फिनिश गुड ऑफ समवन कैन बी रॉ मटेरियल ऑफ समवन एल्स. ट्रू और फॉल्स? व्हाई ट्रू? सर बैटरी किसी ने बनाई है, उसने वो बैटरी खरीदी है और वो बैटरी को इसमें डाल दिया. सपोज करिए, अरे बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं, बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरर्स हैं जो ये खुद बनाते ही नहीं है. इसके बटन कोई बनाता है, स्क्रीन कोई बनाता है, उसको बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, उसको कहते हैं असेंबलिंग करना, असेंबल प्रोसेस. कार मैन्युफैक्चरिंग इज नॉट द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गाइज, कार मैन्युफैक्चरिंग इज द प्रोसेस ऑफ असेंबलिंग. ये जितनी भी कार्स हैं, ये कार्स एक्चुअली अपना सिर्फ इंजन बनाती है. आपको पता है इनका खुद का सिर्फ इंजन होता है, बाकी सब असेंबलिंग होता है. देर आर प्रॉपर कार डिजाइनर्स, कार आर्किटेक्ट्स होते हैं जो कार की डिजाइन बनाते हैं. ये अपनी डिजाइन बना के अलग अलग कंपनीज को दिखाते हैं और अलग अलग कंपनीज को प्रेजेंटेशन देते हैं. जिन कंपनी को वो डिजाइन पसंद आती है वो उस डिजाइनर से उस डिजाइन को खरीद लेता है. IPR, Intellectual Property Right. Are you getting my point? ये डिजाइनर से कार की डिजाइन खरीदी, इसके बेसिस पर अब उनके ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स उस कार की पूरी असेंबली तैयार करते हैं कि अब ये जो कार है इसके हिसाब से इंजन कहां लगेगा, एसी कहां लगेगा, कितनी सीटर कार होगी, कितने दरवाजे होंगे, क्या होगा, बूट स्पेस कितना होगा, एक्स्ट्रा स्पेयर व्हील दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, स्क्रीन कैसे होगी, कैमरास कितने लगेंगे, ये कौन बनाती है? उस कंपनी का ऑटोमोबाइल इंजीनियर. फिर वो बनाने के बाद, ये कंप्यूटर में कैड में सारी डिजाइन बनने के बाद, वो वेंडर सेलेक्ट करते हैं. टायर्स के लिए प्रपोजल्स मंगवाएंगे, मिशेलिन से मंगवाएंगे, सीएट से मंगवाएंगे, अपोलो से मंगवाएंगे, एमआरएफ से मंगवाएंगे. बैटरीज लगेगी कार में, एक्साइड से मंगाएंगे, एमरॉन से मंगवाएंगे, अलग अलग बैटरीज के वेंडर्स को सेलेक्ट करेंगे. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कार में पेंट लगेगा, वो पेंट के लिए अलग अलग लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा.
कार की बॉडी बनाने के लिए मेटल लगेगा। टेस्ला का ट्रक सुना है आप सब लोगों ने, सो कॉल्ड यू नो समथिंग यू नो अनब्रेकेबल साइबर ट्रक, उसका बॉडी जो है वो आयरन से नहीं बना है, अलग मेटल से बना है। आपकी जानकारी के लिए कार्स की प्लेन की जो बॉडीज होती है वो ऐसे मेटल से बनाई जाती है जो ड्यूरेबल हो और लाइट वेट हो। इमेजिन करो ये लोहे की बनती थी तो ड्यूरेबल तो होती थी, लाइट वेट होती थी क्या? नहीं। जहां पे लाइट वेट नहीं होगी वहां पर क्या कम हो जाएगा? माइलेज कम हो जाएगा, परफॉर्मेंस कम हो जाएगा, स्पीड कम हो जाएगी। तो आपको लाइट वेट मटेरियल चाहिए येट ड्यूरेबल मटेरियल चाहिए। कार के क्रैश टेस्ट वीडियो आपने देखे होंगे, कार जब क्रैश करती है तो वो अपने अंदर पैसेंजर्स को कैसे प्रोटेक्ट कर सकती है अगर मटेरियल लाइट रहेगा तो। देखो दो ऑपोजिट बता देता हूं, एकदम लाइट मटेरियल यूज कर लो एल्यूमिनियम, लेकिन एल्यूमिनियम में स्ट्रेंथ नहीं है तो वो अंदर के पैसेंजर को प्रोटेक्ट कर पाएगी क्या? टाटा इंडिका नाम से एक कार आती थी पहले, वो इसी चीज के लिए बदनाम थी। अबे गैया भी जाकर टकरा गई ना वो डेंट मार जाती थी, लिटरली डेंट मार जाती थी गैया भी टकरा गई तो। बलेनो का तो पता नहीं बट हो सकता है यस। अच्छा अगर मैं एकदम स्ट्रांग गाड़ी बनाऊं लोहे की तो क्या होगा? स्ट्रांग तो बहुत बन जाएगी, वेट ज्यादा हो जाएगा, माइलेज नहीं मिलेगा, गाड़ी का जो इंजन है वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। परफॉर्मेंस कैसे मेजर करते हैं? 0 to 100 कितने सेकंड्स में जाते हो आप समझ रहे हो? फॉर्मूला 1 की रेस कार्स आपने देखी है, मिनिमलिस्टिक बॉडी होती है, बिल्कुल मिनिमल बॉडी होती है, कुछ होता ही नहीं है, वेट रखा ही नहीं है सिवाय इंजन के, और किसी चीज का वेट नहीं होता है। 1.5 से 2 सेकंड में 0 to 100 की स्पीड अचीव करती है। अब आप कहोगे सर हमने कौन सा भगाना है? भाई वो वाली बात नहीं है, लोगों की इच्छा होती है, बाकी तो भगाने के बाद क्या होता है वो पुणे के अंदर सबने देखा ही है। आप पॉइंट समझ रहे? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? व्हाई आर पीपल बाइंग दीज लग्जरी कार्स? बिकॉज इट हैज दैट स्पीड दैट पावर। सो आपका जो ऑटोमोबाइल इंजीनियर है उसने क्या किया? शॉर्टलिस्ट किया वेंडर हु कैन प्रोवाइड यू दैट काइंड ऑफ मटेरियल। गाइज हर बिजनेस में हर इंडस्ट्री में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक डिपार्टमेंट होता है, एंड ट्रस्ट मी ऑटोमोबाइल में भी होता है। ये R&D डिपार्टमेंट बैठ के टेस्ट करता है। साइबर ट्रक जब बना था टेस्ला का तो बहुत डिटेल रिसर्च हुआ था कि किस मटेरियल से बन सकता है विच कैन कीप यू लाइट वेटेड। कई साल पहले जब सिर्फ लोहे की कुर्सियां आती थी मार्केट में, पहली बार जब फाइबर चेयर्स आई ना, इट वॉज एन अमेजिंग इनोवेशन इन द मार्केट। आजकल हम लोग उसकी इज्जत नहीं करते क्योंकि ऐसी दिखती है, पर शादियों में जब पहले लोहे की चेयर आती थी, टेंट हाउस वाले वगैरह जब शादियों में सप्लाई करते थे, फिर लोहे की चेयर का इन्वेस्टमेंट कितना हाई था एज कंपेयर टू फाइबर चेयर। क्या इन्वेस्टमेंट्स है? कुछ भी कॉस्ट नहीं है लोहे के चेयर के कंपैरिजन से। लोहा अपने आप में कितना महंगा होता है, आप समझ रहे हैं मेरी बात? पॉइंट समझ रहे हैं यहां पर? फिर कार के अंदर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगेगा। आजकल सभी कार्स में सॉफ्टवेयर लगते हैं। आई वॉज इन बैंगलोर, आई वॉज स्टेइंग इन द एरिया नोन एज व्हाइट फील्ड विच हैड बागवानी IT टेक पार्क। वहां पूरे टेक पार्क में रिसर्च सेंटर्स बने। एप्पल ने बैंगलोर में अपना पहला सॉफ्टवेयर रिसर्च सेंटर डाला है जहां पर एप्पल के एप्स टेस्ट होंगे। एंड्रॉइड आज भी पता है क्या करता है? बहुत सारे थर्ड पार्टी एप्स को लिस्ट करता है। इनफैक्ट मैं कहूंगा एंड्रॉइड ज्यादातर डिपेंडेंट है थर्ड पार्टी एप्स पे। व्हाट इज थर्ड पार्टी ऐप? अब हमने एक ऐप बना दिया एकाग्रता CA, एक ऐप बना दिया एकाग्रता प्ले, उसको हमको लिस्ट करना है एंड्रॉइड पे। द प्रोसेस इज वेरी स्मूथ, 7 दिनों में लिस्टिंग हो जाती। आपको पता है iOS पे लिस्टिंग करने में महीनों लग जाते हैं क्योंकि उनकी गाइडलाइंस है, क्योंकि वो खुद अपने एप्स बनाते हैं। आजकल हर कार के अंदर आप देखिए इंटरनेट होता है, टेक्नोलॉजी होती, तभी तो फीचर्स बने लाइक ABS एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, तभी फीचर्स बने हिल कंट्रोल असिस्ट कि आप पहाड़ पे भी चल रहे हैं तो आपकी गाड़ी कंट्रोल में रहेगी, तभी तो सिस्टम बने हैं TPMS टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। पुराने जमाने में देखना पड़ता था टायर में हवा कितनी है कि नहीं है, आजकल गाड़ी के स्क्रीन पे मॉनिटर पे दिख जाता है टायर में हवा। इजंट इट टेक्नोलॉजी? ये टेक्नोलॉजी क्या हर कंपनी खुद बनाती है? द आंसर इज नो। हर कार के अंदर, जिसके अंदर कार में मैप्स लगा होता है, ये मैप्स उन्होंने खुद ने बनाए नहीं, ये टेक्नोलॉजी उन्होंने खरीदी। कार मैन्युफैक्चरिंग इज नॉट रियली अ मैन्युफैक्चरिंग गाइस, इट इज द प्रोसेस ऑफ
असेंबलिंग मल्टीपल कॉम्पोनेंट्स बॉट टूगेदर और उसको एक साथ जोड़ना, बट इट इज ऑल्सो मैन्युफैक्चर्ड। मैं अलग से जाकर टायर खरीद लूं, बैटरी खरीद लूं, तो वो कार कहलाएगी? नहीं। व्हाट इज फिनिश गुड? मल्टीपल रॉ मटेरियल्स बॉट टुगेदर एंड सम प्रोसेसिंग डन ऑन इट, आइदर मैकेनिकल और मैनुअल, एंड अ न्यू प्रोडक्ट कम्स इनटू एन एग्जिस्टेंस। कार विच हैज अ सेपरेट नेम, विच हैज अ सेपरेट यूजेज, अलग तरीका है, विच हैज अ सेपरेट प्राइस पॉइंट। एक बात बताओ, तो सर आपने जो चीज अभी कही, मैं जो दिमाग चला पा रहा हूं, से कि कार मैन्युफैक्चरिंग इज नथिंग बट इट इज अ प्रोसेस ऑफ असेंबलिंग। असेंबलिंग जैसे ये शब्द सुनता हूं ना, मेरे दिमाग में एक सिंबल बनता है, आपके भी दिमाग में बन रहा है क्या? चेक करना, अबे चलना भाई क्या हो गया, परेशान क्या कर रहा है। असेंबलिंग जैसे ही मैं सुनता हूं, मेरे दिमाग में एक सिंबल बनता है और वो है सिंबल प्लस का। डू यू एग्री विद मी? असेंबलिंग मीन्स एडिशन प्लस। तो एक बात बताओ, फिर एक कार की कीमत जो होती है, इट शुड बी द टायर कॉस्ट, द बॉडी कॉस्ट, द पेंट कॉस्ट, द इंजन कॉस्ट, द टेक्नोलॉजी कॉस्ट, सीट कॉस्ट, इलेक्ट्रिकल कॉस्ट, इन सब की कॉस्ट की टोटल ले लूं तो उतने की कार होनी चाहिए। क्यों? क्यों भाई? आंसर दो भाई, होना तो यही चाहिए ना यार। ओवरहेड्स क्या होता है? ओवरहेड नहीं समझता मुझे, अभी तीन दिन बाद समझेगा, कल परसों। हाँ, लेबर कॉस्ट लगेगी, चलो बहुत अच्छा आंसर है। असेंबल करने में जो जो एक्सपेंसेस, एग्जांपल दो, सोचने पे मजबूर कर रहा हूं। हाँ, अबे आफ्टर सर्विस तो बहुत बात की, भाभी तो मैं गुड बेच रहा हूं। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, चलो एक अच्छा आंसर मिला। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट मुझे एकदम नीचे के लेवल पे जाकर बताओ, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट मतलब क्या? डीलर का कमीशन, कार मैं जिस डीलर के थ्रू बेच रहा हूं उस डीलर का कमीशन हो गया, और बताओ खर्चा, मतलब सिर्फ मटेरियल कॉस्ट इज नॉट द टोटल कॉस्ट ऑफ द कार। आईटी कॉस्ट, आरएनडी कॉस्ट, ओके, ट्रांसपोर्टेशन, मार्केटिंग इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये कह रहा है कि जो कंपनी में मशीनरी यूज हो रही है उसकी कॉस्ट, क्या मैं उसको डेप्रिसिएशन कह सकता हूं? डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी कह सकता हूं। चलिए, पैकिंग कॉस्ट का है, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, बहुत अच्छा जवाब दिया है। ऑडी इतनी महंगी क्यों है भैया? विराट कोहली ब्रांड एम्बेसडर है, विराट कोहली जो ब्रांड एम्बेसडर है कितना पैसा चार्ज करता होगा, इसलिए ऑडी महंगी है। और एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, ग्रास रूट लेवल पे जाओ, नीचे के लेवल पे जाके एग्जाम्पल दो मुझे। जैसे मैंने अभी डेप्रिसिएशन वर्ड बताया, कार बनाने में सिर्फ मटेरियल कॉस्ट टोटल कॉस्ट क्यों नहीं है, मुझे खर्चों के एलिमेंट चाहिए। और क्या है? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, बढ़िया। और स्टोरेज कॉस्ट है, गोडाउन रेंट है, बहुत बढ़िया। और इलेक्ट्रिसिटी है, बहुत बढ़िया, पावर एंड फ्यूल आ गया, टूल्स जो लगेंगे, ओके, कंज्यूमेबल्स, लेबर कॉस्ट आ गई है, बहुत बढ़िया, गुडविल आ सकती है, ब्रांड वैल्यू, बहुत अच्छी बात है, पेटेंट्स और ट्रेडमार्क का, इंटेंजिबल एसेट का अमोर्टाइजेशन आ सकता है, बहुत बढ़िया बात है। टाटा मोटर्स बनाता है जैगुआर लैंड रोवर, लेकिन ब्रांड कौन सा यूज होता है? जैगुआर लैंड रोवर। तो जैगुआर लैंड रोवर की कार अलग दाम में बिकती है, टाटा की कार अलग दाम में बिकती है, बिकॉज दोनों में गुडविल का डिफरेंस है, बहुत बढ़िया चीज है। डिजाइनिंग कॉस्ट आएगी, बहुत बढ़िया, टैक्सेस नहीं आएंगे, थिंक अबाउट इट, इंश्योरेंस नहीं आएगा, सेल्समैन सैलरी एंड कमीशन नहीं आएगा। अब जब आप लेबर कॉस्ट कहते हो, एम्प्लॉय कॉस्ट कहते हो, मेरे भाई लेबर कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट में कितनी सारी चीजें आ गई है यहां पे। आपके लेबर वो भी लेबर है जो आपके प्रोडक्शन फ्लोर पे काम कर रहे हैं, जो आपके शोरूम में कार बेच रहे हैं वो भी लेबर है, जो आपके गेट पर सल्यूट कर रहे हैं वॉचमैन वो भी लेबर है। यस, यू आर एब्सोल्यूटली राइट, ओनली मटेरियल कॉस्ट इज नेवर इक्वल टू द प्रोडक्ट कॉस्ट। ये प्रोडक्ट कॉस्ट में आखिर होता क्या है, ये जानने के लिए देखिए कल का धारावाहिक। तो भाइयों बहनों, देवियों सज्जनों, उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो, मजा आया सभी को, इंटरेस्टिंग लग रहा है। सिंपल सी चीज ध्यान रखना, क्लास में जब भी आकर बैठो दिमाग खुला रखने का, तो कॉस्टिंग हो जाएगा। जो भी बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। और अगर आप हमारी क्लासेस ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं, एकाग्रता की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। सीए इंटरमीडिएट की ग्रुप टू की बैच हमारी आज से चालू हुई है, आप कॉम्बो परचेज कर सकते हैं। कॉम्बो परचेज करते समय ध्यान रखिएगा टू सेलेक्ट योर एजुकेटर्स, यहां पर आप देख रहे हैं,
एफएम में दर्शन जैन सर, जतिन डिमला सर आपको सेलेक्ट करना है। लाइफ प्लस हार्डबुक इज अवेलेबल एट 24,000 रुपीज, 9 months वैलिडिटी, अनलिमिटेड वॉच टाइम, सिर्फ कॉस्ट है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग आप परचेज करना चाहते हैं वो भी आप परचेज कर सकते हैं। लाइफ प्लस हार्डबुक इज अवेलेबल फॉर 10,400। यू कैन ज्वाइन फेस टू फेस इन इंदौर एंड मेनी अदर ऑप्शंस आर अवेलेबल। थैंक यू सो मच गाइज, सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास। गुड डे ऑल ऑफ यू।